चलिए आप हमें ये बताइए, अभी संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे तो संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू साहिबाई। कितने नंबर की है ये, कितने नंबर की राष्ट्रपति है? 15 नंबर के, 15 नंबर के, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कितने नंबर के हैं? 14 नंबर, प्रधानमंत्री साहब की बात करें वो कितने नंबर की है? ये 15 नंबर। 15 नंबर के, ठीक है। चलिए, मुख्य निर्वाचन सॉरी मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के अभी? डी वाई डी चंद्रचूड़ 50वां, वाई चंद्रचूड़ कितने नंबर के हैं? पचासवां 50। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये वेक्टर वेंकट मनी है, रमन, आर वेंकट रमन, ठीक है। वेक्टर इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा कितने नंबर के हैं? 16 नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भास्कर मेहता। बिल्कुल ठीक है। स्टेट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तहत स्टेट में क्या होता है? स्टेट में भी होता है, सरकार का बहुत बड़ा विधिक अधिकारी होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टेट में जो होता सरकार के है? केस लगाते सॉलिसिटर, हैं, हाँ सॉलिसिटर सॉलिसिटर जनरल ऑफ जनरल। इंडिया बोलते हैं, या फिर उनको भी महान्यायवादी बोलते हैं, या फिर और कुछ कहते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडवोकेट जनरल, ठीक है, स्टेट में जो होते हैं सो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एनजीटी के हेड कब है? एनजीटी, एनजीटी बताइए प्रकाश श्रीवास्तव, कब बनी थी एनजीटी? 2010। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको मिलते हैं पूरे पूरे 1 अंक भी नहीं, ठीक है, 2010 में। चलिए, संसदीय प्रमुख की बात के सभापति राज्यसभा के कौन होंगे? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है। किस राज्य के राज्यपाल रह चुके जगदीप धनखड़? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के। उपसभापति राज्यसभा के कौन है? उपसभापति हरिवंश हरिवंश। नारायण, ठीक है, बच्चन नहीं है, सिंह है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। महासचिव राज्यसभा का कौन है? उस दिन कोई कौन कह रहे थे, बोल रहे थे मोदी हरिवंश राय बच्चन, इनका नाम क्या? पीसी मोदी। क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी नहीं है, पीसी मोदी है, ध्यान में रखेंगे। नेता विपक्ष के राज्यसभा में कुछ नहीं दिया हुआ। नेता सत्ता पक्ष लोकसभा में कौन है? सॉरी, अधीर नेता विपक्ष लोकसभा में कौन है? रंजन है ना, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। और नेता सत्ता पक्ष लोकसभा में कौन है? पीयूष गोयल। अगर पूछेंगे लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष, तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। लोकसभा का कभी भी सत्ता पक्ष का जो नेता होना है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा में बनाया जाता है, लेकिन लोकसभा में स्वतः ही मतलब क्या होते हैं? पीएम साहब होते हैं, ठीक है, डोंट बी फॉरगेट, इसको कभी मत भूलिएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अपने सरकार की वकालत कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। अपने कैबिनेट का नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट रूपी जहाज का पायलट कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर नेता सत्ता पक्ष कौन है? नेता सत्ता पक्ष कौन होगा यहाँ पे? नेता सॉरी, नेता पीयूष सत्ता पक्ष राज्यसभा में कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? पीयूष गोयल के पास, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, ठीक है। इस बार की लोकसभा की बात करें, कितनी नंबर की लोकसभा? 15वीं, 16वीं, 17वीं, कौन सी लोकसभा है? मूवी 17वीं लोकसभा है, ठीक है। नेता विपक्ष कौन है? ओम बिरला, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। किस राज्य से आते हैं अधीर रंजन चौधरी? पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, या फिर मध्य प्रदेश से? अधीर रंजन चौधरी बंगाल से आते, कहां से आते हैं? बंगाल से आते हैं, ठीक है। महासचिव लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। फर्स्ट फीमेल महासचिव लोकसभा की कौन बनी थी? फर्स्ट फीमेल की बात कर रहा हूं। मीरा कुमार, मीरा अच्छा, मीरा कुमारी स्पीकर थी वो। स्नेहलता श्रीवास्तव का नाम सुने कभी? स्नेहलता श्रीवास्तव कुमार। वही बनी थी, ठीक है। चलिए, बात के निर्वाचन आयोग में बात करते हैं, निर्वाचन आयोग कौन है? राजीव कुमार, बिल्कुल, निर्वाचन आयोग के अलावा और कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? दो और हैं, दो होते हैं। दो छह। कौन है? तो अरुण गोयल है, अरुण गोयल है, और साथ में कौन है? तो एक अनूप अनु अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उप चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो छोड़ दीजिए, नहीं पूछेगा, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परिषद की बात करेंगे, सीए जी कौन है अभी? सीए जी, बोल, पांडे। सीए जी की बात करेंगे, हमारे जो सीए जी वर्तमान में किसी राज्य के, ठीक है, एलजी के रूप में काम कर चुके हैं। किस राज्य के एलजी के रूप में इन्होंने काम किया है? जम्मू कश्मीर के जम्मू एलजी के रूप में कश्मीर, काम। महालेखा नियंत्रक परिषद सीजीए की बात करें, कौन है? सीजीए, महालेखा महानियंत्रक एसएस बोलते हैं इनको। ये महालेखा दुबे। परीक्षक होते हैं, महालेखा नियंत्रक होते हैं, एसएस दुबे होते हैं, ठीक है। बात करेंगे सर्वोच्च सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट साहब होते हैं।
ठीक है, अब बात करें अभी की प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे और अभी प्रेसिडेंट की बात करेंगे, दोनों का जन्म जो हुआ था भारत में, मतलब कब हुआ था, आजादी के बाद इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब बात है वायुसेना के अध्यक्ष का, बताइए 1951 क्या नाम है। बिल्कुल हाँ, 1958 रिटायर्ड वन जनरल। ठीक है, फोर्टी वायुसेना का अध्यक्ष क्या है, BR-14। बी आर ठीक है, नौसेना चौदह के सेनाध्यक्ष कौन है, आर हरि आर कुमार हरि। इनको कुमार क्या बोलते हैं, वायुसेना के जो सेनाध्यक्ष होते हैं उसको क्या बोलते हैं। एयर चीफ मार्शल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एयर चीफ एडमिरल मार्शल बोला जाता है। ठीक है, नौसेना के अध्यक्ष क्या बोला जाता है, एडमिरल बोला जाता है। ठीक है, चलिए थल सेना के सेनाध्यक्ष को क्या बोलते हैं, थल सेना के सेनाध्यक्ष को फील्ड जनरल मार्शल बोलते हैं, क्या बोल, नहीं जनरल। जनरल फील्ड मार्शल क्या होता है सो बता। देखिए फील्ड मार्शल का जो पद जो होता है ना, थल सेना के सेनाध्यक्ष से बड़ा पद होता है। ठीक है, थल सेना के सेनाध्यक्ष जब रिटायर होंगे ना, तो उनको अपना वर्दी वगैरह कुछ भी पहनने के अलाउ नहीं होता, लेकिन जो फील्ड मार्शल का जो पद जो होता है ना, वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने जो भी उनको जो सुविधा मिल रही थी वो मिलेगी, वर्दी में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ये एक पद जो होता है ना, ये सुशोभित पद होता है, किसी किसी को दिया। अभी तक मात्र भारत में दो फील्ड मार्शल, एक मानेकशॉ हुए, एक और भी कुछ नाम है। ठीक है, और दूसरी बात, इनका कोई भी ना, इनका जो भी मतलब पेंशन वगैरह सैलरी वगैरह होता है ना, सैलरी तक मिलते रहता है। ठीक है, मतलब रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन फील्ड मार्शल को सैलरी मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा चीफ ऑफ सॉरी थल सेना के सेनाध्यक्ष से थोड़ा बड़ा पद होता है, रिटायरमेंट के बाद सैलरी मिलते रहेगा, उनको पेंशन मिलते रहेगा, रिटायरमेंट के बाद वो ड्रेस भी पहन सकते हैं, मतलब आर्मी का जो ड्रेस होता है यूनिफॉर्म वो पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये बड़ा पद होता है। ठीक है, अभी जनरल मानेकशॉ को मिला था फील्ड मार्शल, एक करियप्पा साहब को मिला था, दो ही हुए, एक करियप्पा साहब हुए, एक मानेकशॉ हुए, और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, दो तेईस का समझ रहे हैं बता ना। रहे हैं। हेलो, हाँ ठीक है, दो ही हुए, हाँ दो ही हुए तेईस का बता रहे हैं। जी, देवी जी 23 का बता रहे, हालांकि जीके का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। थल सेना का सेनाध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे साहब है। चीफ ऑफ CDS कौन है, अभी CDS कौन है, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल जॉन। भारत में अभी तक कितने जॉन CDS हुए हैं, जहां सब आ जा रही बंद कर लीजिए। दो हैं, दो अभी तक हैं। नंबर क्यों है, फर्स्ट नंबर की चले, अब बात है कैबिनेट सचिव कौन है, अजीव गाबा, प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है, अमित। सचिव याद रखिएगा, वो इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन सचिव याद रखिएगा। ठीक है, मेरे नाम पे इनका नाम है, क्या नाम है इनका, पीके मिश्रा। पीके ठीक है, मिश्रा सर, आपके साथ चलिए आगे मिश्रा चलते हैं, नहीं होगा? नहीं जुड़ा, पीके जुड़ा हुआ है ना। चलिए आगे चलिए, विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन गावा, गवात्रा गवात्रा, गवात्रा है, गवात्रा उत्तरा नहीं, गवात्रा है क्या, गवात्रा गवात्रा होना है, चाहिए। ठीक, पात्रा है हाँ जो भी सर। हो। चलिए गृह सचिव बताइए, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। भल्ला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, ये छोड़ दीजिए गृह। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बताइए क्या नाम है, सुंदर अजीत डोभाल। बेतिन बता, लेकिन मैं इस पे आप लोग से काउंटर क्वेश्चन करूंगा, क्या क्वेश्चन करूंगा काउंटर, फर्स्ट एनएस से बताइए कौन है। सर क्या ब्रिजेश मिश्रा, मिश्रा साहब, हाँ ये सर, ब्रिजेश मिश्रा जो है फर्स्ट एनएसए बने थे। आप बोलेंगे सर एनएसए कब बने थे, सॉरी मिश्रा है ना, एनएसए कब बने थे, तो वाजपेयी जी की सरकार आई थी 1998 में, 1998 में, तो पहली बार एनएसए का पद बनाया गया था। ठीक है, ब्रिजेश मिश्रा साहब जो से पहले एनएसए बने थे। ठीक है, तो फर्स्ट एनएसए कौन बने, ब्रिजेश मिश्रा। ब्रिजेश मिश्रा। ठीक है, एनएसए का पद कब आया, 1998 में। ठीक है, किसकी सरकार में एनएसए की सरकार, एनएसए की पद आया, किसकी गवर्नमेंट बनी थी, तो बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, उस समय एनएसए की पद आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है, ध्यान में रखेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, ये अनंत नागेश्वरन, ये आपको याद करना क्यों है, क्योंकि भारत का जो आर्थिक नीति जो तैयार होता है, ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण जो तैयार होता है, वो बजट से एक दिन पहले होता है या फिर एक दिन बाद होता है, एक एक दिन पहले, तो इन्हीं के देखरेख में तैयार किया जाता है, मतलब जो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं ना, वो जो उस पद पे होते हैं, उन्हीं के देखरेख में तैयार होता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब के, ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार की बात करेंगे तो अजय कुमार शुद्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे केंद्रीय सतर्कता जिसको CBC बोलते हैं, ठीक है, 19वां नंबर का क्या नाम है, ये भी पीके श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार दिन श्रीवास्तव। ठीक है, एक कमेटी आई थी, कौन सी कमेटी आई थी, संथानम। ठीक है, संथानम आई थी, कब आई थी संथानम, क्या बताएंगे, संथानम कब आई थी, 1964।
1964 में, उसी के अनुसार आप देखोगे तो यहाँ पे सीबीसी का पद जो था बनाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आईबी सीबीआई के हेड बताइए क्या है, सीबीआई। बहुत प्रवीण सूद। सुंदर। तो सीबीआई कब आया था, सीबीआई कब बनी थी, सीबीआई कब बना था, 1964 में, 1963 में, 1965 में, 63 में क्या? 65 1963 में सीबीआई। और वैसे ओरिजिनली सीबीआई की बात करेंगे तो 1941 में, ठीक है, ब्रिटिश काल में सीबीआई का एक रूप देखने को मिलता है, लेकिन वैसे 1963 में याद रखेंगे, ये भी संथानम कमेटी का ही रोल था, ठीक है। बात करते हैं सीआईसी। सीआईसी कौन है, इंटेलिजेंस। आईबी की बात करेंगे तो तपन कुमार डेका जो है आईबी के हेड है, ध्यान में रखिएगा। रवि सिन्हा के पास की बात करेंगे, रॉ, ठीक है, क्या नाम है, रॉ। तो फर्स्ट रॉ की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा फर्स्ट रॉ ऑफिसर, जाएगा उनका नाम था रामेश्वर नाथ काऊ, क्या बोलते थे उनको, रामेश्वर नाथ काऊ, जो संक्षेप में बोला जाता आर एन काऊ, आर एन काऊ। एक्चुअली में भारत को 1962 में, ठीक है, जब हमारे ऊपर जब चीन ने आक्रमण जब किया, तो ये बहुत बड़ा मिलिट्री फेल के साथ साथ, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब इंटेलिजेंस फेल भी था, क्योंकि हम लोग मतलब चाइना को आंक नहीं सके से हमारे साथ मतलब ऐसा करेंगे, क्योंकि 1954 में हमने उनके साथ पंचशील किया था, 1962 में उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल भी था। शास्त्री जी की सरकार थी, बोला गया से भाई एक साहब ऐसा कुछ करो से सीबीआई तो हमारे देश के, सॉरी आईबी तो हमारे देश के अंदर के लिए ही है, बाहर के लिए मतलब कुछ ऐसा करो तो कुछ चीजें मतलब डिफरेंट हो, तो रॉ का विचार मतलब दिया गया। रॉ मतलब आई थिंक 1968 के आसपास आपको रॉ देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी, ठीक है। तो 1968 में रॉ बना, ठीक है, 1968 में रॉ बना, और ये 1977 तक मतलब आर एन काउ साहब मतलब रॉ रॉ के मतलब हेड बन के रहे। अगर 1971 के वार अगर हम जीतते हैं, बांग्लादेश लिबरेशन वार अगर हम जीतते, तो कहीं ना कहीं रॉ का बहुत बड़ा उसमें रोल है, ठीक है। तो फर्स्ट रॉ जो थे आर एन काउ साहब थे, इसको आप ध्यान में रखिए, कश्मीर से आते थे, इंदिरा गांधी की सरकार की बात के तीन लोगों पर चलते थे, आर एन काउ थे, दो और भी लोग कश्मीर के थे, ठीक है, उन लोगों ने मिलकर मतलब इंदिरा गांधी को बहुत मतलब उनके गवर्नमेंट को आगे मतलब फ्रूटफुल मतलब बनाया, ठीक है। तो आर एन काव का नाम याद रखेगा, 1968 में बनते हैं, 1977 तक रहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही रॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम, समझ रहे हैं ना। एनआईए की बात करेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कौन है अभी हेड, दिनाकर मैंने ये भी गुप्ता बोला था एनआईए का पद कब बना था, तो बता दिया था आपको एनआईए का पद कब बनेगा, 2008 2008 में मुंबई हमला होता उस समय बना था। आर एन काव की बात करेंगे, 1968 में रॉ का पद बना था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, सीबीसी की बात करेंगे तो 1964 है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला राष्ट्रीय एनएसए की बात करेंगे, ब्रिजेश मिश्रा का नाम याद रखिए, 1998 में सबसे पहला एनएसए बने थे, ठीक है। वर्तमान एनएसए कौन है, वर्तमान एनएसए अजीत अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। डोभाल। बीएसएफ की फर्स्ट फीमेल बन गई है महानिदेशक, क्या नाम है इनका, रश्मि रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला किस बॉर्डर की रक्षा करती है बीएसएफ, सॉरी एसएसबी की है ना, रश्मि शुक्ला सॉरी, एसएसबी, एसएसबी की नहीं, बीएसएफ की नहीं, बीएसएफ एसएसबी के की है, ठीक नितिन है। अग्रवाल। हाँ नितिन अग्रवाल है, कौन सीमा की रक्षा करती है बीएसएफ मुख्यतः, पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कब आई थी बीएसएफ, कब बना था बीएसएफ, कब बना था, 1965 था। 65 सीआरपीएफ है, ये सुनाई पूछा, एनएजी की याद रखे, एनएजी कब बनी थी, एनएजी 1982 जब इंदिरा गांधी के बाद, नहीं वो तो एसपी नाइनटीन थी ना, एनएजी कब बनी थी बताइए, अच्छा बना था सर 1978 में, 84 77 बना था, ठीक है। एसपीजी 85 में, एनएजी की बात करेंगे आई थिंक 84 होगा, ठीक है, एनएजी 84 है, एसपीजी 85 है, और किनका खटखट का आवाज आ रहा, बंद कीजिए। एसपीजी की बात करेंगे, अरुण कुमार सिन्हा है, एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्रोटेक्शन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली को सुरक्षा देने का काम करती है, अब फैमिली को नहीं देती है, ठीक है। एनसीसी का नेशनल कैडेट ग्रुप, कैडेट क्रॉप्स होता है, गुबरी पाल सिंह जो है, इनके ध्यान में रखिएगा, ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। हाँ चलिए, नीति आयोग के हेड बताइए क्या होंगे, नीति आयोग के हेड, ग्रुप, नीति आयोग कब बनी थी, 1 जनवरी 2015,
बने थे। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करेंगे, कौन है? सुमन बेरी। अध्यक्ष कौन बने थे योजना के प्रथम उपाध्यक्ष? मोंटेक सिंह नहीं, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। चलिए, नीति आयोग का सीईओ बताइए क्या होगा? बी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। संघ लोक सभा आयोग के मतलब बताइए, संघ लोक सभा आयोग के चीफ। संघ लोक सभा आयोग कब बना था? 1926 में सर। 26 कब बनी थी? डी कमीशन ने कब इसको बनाने की घोषणा की थी? 1924 में। ठीक है, किन कौन से संवैधानिक प्रावधान, कौन सा संवैधानिक आया था, क्या बोलते उसको, एक या कह लीजिए उसमें था इसे 1919 वाला में। ठीक है, 21 में 22 में कौन कॉर्नर था सर? 21 22 में 19 21 22 में चेम्स फोर्ड। सुनिए ना, तो 26 है तो इरविन आ गया, तो 24 25 में चेम्स फोर्ड होगा। रीड समय आया था, उस समय चेम्स फोर्ड के समय में आया था। ये अभी किसका समय होगा? चेम्स फोर्ड का कब से कब तक रहा था? रीडिंग थे ना, रीडिंग होगा, रीडिंग रीडिंग हो जाएगा इस समय। जी जी, रीडिंग हो जाएगा के बाद इरविन। अब आगे चलेंगे हम, आगे आप हमें ये बताओ, ठीक है, आप हमें ये बताओ, क्या बता सकते हो? हाँ, विधि आयोग बताइए, विधि आयोग बताइए। सबसे पहले विधि आयोग कब बना था? सबसे पहले विधि आयोग 1834 में। बहुत सुंदर, 1834 में सबसे पहले विधि आयोग। लेकिन भारत में सबसे पहले विधि आयोग कौन बना? किसी का एक सही आंसर आ रहा था, बताइए। शीतलवार साहब पहले थे, ठीक है, शीतलवार साहब पहले थे, ठीक है। कौन से ईयर में? 51 में पहला विधि आयोग बना था, 51 में बना था, ठीक है, शीतलवार साहब पहले थे। अरे प्रथम भारतीय कह सकते हो इसे, सबसे पहले 1834 में मैकाले ने विधि आयोग बना दी थी। 1834 में जो पढ़ा रहे तो ब्रिटिश का काल होगा ना, तो भारत कैसे हो सकता है 1834 में? वही तो भारत, भारत तो था ही लेकिन भारतीय नहीं थे वो, ठीक है। महिला आयोग भुजंग रेखा शर्मा, बिल्कुल ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले होंगे सर। हाँ, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और कुछ छूट गया यहाँ से बताना? मनोज कुमार संदीतु राज अवस्थी हो गया, बी आर सुब्रमण्यम संघ लोक सभा, ठीक है। ये सारा न्यू डाटा है क्या? हाँ सारा न्यू डाटा है, ठीक है, नया अपडेट डाटा इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है सर, करवाइए। प्रथम जो आया था, ठीक है, प्रथम वित्त आयोग आया था, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, कौन इसको हेड कर रहे थे? केसी नियोगी। बिल्कुल, केसी नियोगी हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में कौन? एनके सिंह, 15 नंबर का है, ठीक है ना, केसी नियोगी। हाँ, ठीक है, पहले बात करेंगे। अब प्रतिस्पर्धा रवनीत कौर है, ठीक है, ध्यान रखे। जनजाति, हाँ, हर्ष कुमार चौहान है, जनजाति। ये जनजाति आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये क्या सारे के सारे संवैधानिक है? वैधानिक नहीं है, क्या बात करते हैं? जनजाति आयोग अनुसूचित जाति या जनजाति हो चुका है, मानवाधिकार नहीं है, मानवाधिकार नहीं। मानवाधिकार कब बना था? मानवाधिकार कब बना था? 93 में, 93 देता है। अनुसूचित जाति जाति बना था सर, ये भी उसी समय ना, याद भुला गया सर, बताइए। 93 ही है, सबके सब 93 है, महिला आयोग भी, अब महिला आयोग भी 93 ही है, ओबीसी भी होगा 93 ही होगा। 92 ना होगा सर, 92 होगा, हाँ 92 में अधिनियम आयोग बढ़ा 92 है और कोष 93 है, महिला आयोग कोष। तो संसद में मतलब लोकसभा में, ठीक है, अभी एक बिल आया है जिसमें महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? 33%। कहाँ पे ये 33? कौन सा बिल का नाम बताए? बिल का नाम क्या बताएंगे? लोक शक्ति वंदन अभियान, बिल 128वां है, 128 बिल है संशोधन, 106 नंबर का संशोधन है, 128 नंबर का बिल। कहाँ कहाँ पे लागू होगा 33% आरक्षण? कहाँ कहाँ पे लागू होगा? लोकसभा, विधानसभा, हाँ, राज्यसभा में नहीं होगा, ठीक है, राज्यसभा में कैसे लागू करो? विधानसभा में लागू करेंगे तो ऑटोमेटिक लोकसभा राज्यसभा में लागू हो जाएगा ना, ठीक है। तो लोकसभा है, विधानसभा में क्या दिल्ली विधानसभा में लागू होगा क्या? ये
दिल्ली में नहीं है क्योंकि एक्सेप्शन है ना 15% का। लागू होगा दिल्ली में भी लागू होगा, ठीक है, दिल्ली में लागू होगा, लोकसभा में लागू होगा, सभी राज्यों के विधानसभा में लागू होगा, ठीक है। ठीक है, तो उमर रिजर्वेशन के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। जितना भी सीट है लोकसभा का या विधानसभा का, उस सीट के अनुसार 33% ना मिलेगा? 33% देंगे सीटें के अनुसार, 33% देंगे। ओबीसी आयोग मतलब कब आया था सर? 93 में ही आया था ओबीसी, 1993 में मानवाधिकार आयोग वाला ओबीसी आया था ना, उससे पहले 79 में आया था। मंडल आयोग आया था ना जी सर, 79 में। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी, ठीक है, अपनी रिपोर्ट 1980 में, ठीक है। मंडल आयोग के रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री ने लागू कर दिया था? राजीव गांधी। बीपी नरसिम्हा राव। कौन बीपी मंडल है कि कौन? प्रताप सिंह ने लागू किया था मंडल आयोग के, ठीक है, बीपी सिंह ने किया था, ठीक है, बीपी सिंह ने इसके प्रावधान को लागू किया गया था। इसमें ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई थी? 27% आरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। आप हमें बता, लोकसभा में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण जो देते हैं, ठीक है, लोकसभा में मतलब उनके प्रतिनिधित्व में कौन से आर्टिकल्स की तहत दिया जाता है, मतलब कौन से आर्टिकल्स है? 330 के लिए, ये 330 सीएसटी के लिए 330 हो जाएगा लोकसभा में। हाँ ठीक है, हाँ 330 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एंग्लो इंडियन के लिए 331 में था, 331। कौन सा संवैधानिक संशोधन करके एंग्लो इंडियन के पद को हटा दिया गया? 104, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 104। कितने एंग्लो इंडियन चुने जाते थे? दो। चलिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति के पास पावर है 12 को लोगों को नॉमिनेट करे, किस आर्टिकल्स के तहत है? ये है 80 का 3। बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, कौन है? 80 के 3 में करेगा नॉमिनेट 12 को, 80 के 3 है ना, हम ही को समर्पित कर देना है। कल ही के क्लास में हम सर बोले थे ये आर्टिकल्स कई बार पूछा है, सही है, 80 का 3, ठीक है, कई बार पूछा है, इसको याद कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स, ठीक है, कई बार पूछा गया है। 80 के 3 के तहत कहते हैं सर, तो राज्यसभा में नहीं करते 12 को, ठीक है, मतलब एंग्लो इंडियन समाप्त हुआ तो ये भी समाप्त हो गया क्या? नहीं, नहीं, कहा कि नॉमिनेट करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है, स्पेन से, ठीक है। भारत ने कहाँ से लिया? भारत ने और कुछ है ना, भारत ने कहाँ से लिया है? 1935 के प्रावधान से भारत ने उठाया है, ठीक है, 1935 ने आयरिश से लिया है, आयरिश ने शायद स्पेन से लिया है, ऐसे है, लेकिन भारत ने 1935 के प्रावधान में, भारत से सर, भारत सीधा आयरलैंड से लिया है ना, इसमें भी गवर्नर को अधिकार दिया था, वो मतलब मनोनीत कर सकते, पढ़ लीजिएगा, सूची भी थी 1935 के अधिनियम में, पर लिया तो ऑस्ट्रेलिया से गया है ना। हाँ, लेकिन 1935 के एक्ट में था ये चीज, होना अलग बात है, पर कहीं से वो क्या अडॉप्ट करना वो अलग बात है। ये लिखा हुआ मैंने आपने के साथ, मैंने बता दिया से 1935, हाँ आयरलैंड ही मारना, लेकिन 1935 के एक में था, गवर्नर को अधिकार दिया गया था, ठीक है। और ऐसे मतलब चुने जाने वाली प्रथम फिल्मी दुनिया से अभिनेत्री कौन थी? वो नरगिस दत्त थी, संजय दत्त की माँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आप बताए, रेलवे बोर्ड के सीईओ बताइए, जया वर्मा साहब जो फर्स्ट फीमेल बन गई है, ध्यान में रखेगा। सेबी की बात करेंगे, सेबी की भी फर्स्ट फीमेल बन गई माधवी पुरीपुज, ठीक है। सेबी एक्ट कब आया था? सेबी एक्ट कब आया था? सेबी का एक्ट कानपुर में आया था, 1992 स्थापना है, 92 के तहत ही इसको नेशनलाइजेशन किया गया, वैधानिक संस्था बनाया उसको, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया था सर सेबी को ना। राष्ट्रीयकरण कंपनी का होता है, एजेंसी का राष्ट्रीयकरण सुने है क्या? ऑलरेडी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है, कोयला का राष्ट्रीयकरण होता है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है, एरोप्लेन का राष्ट्रीयकरण हो सकता है, ये बोलेंगे तो वित्त विभाग का राष्ट्रीयकरण कर दे। वित्त विभाग ऐसे पढ़े कि सेबी का राष्ट्रीयकरण 1992 वैधानिक संस्था के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया 1992 में, 1988 में बनी थी सेबी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, सीबीसी के रविंद्र कुमार भाकर इंपोर्टेंट नहीं है, नितिन गुप्ता, हाँ नितिन गुप्ता सीबीडीटी के है, ठीक है, और सीबीडीटी अपनाने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? सीबीडीटी अपनाने वाला सीबीडीटी अपनाने वाला नगर निगम पटना है सर। सीबीडीटी तो
संस्था है, उसको अपनाएगा तो? वो तो बोर्ड है ना, उसको कोई क्यों अपनाएगा। अरे क्या अपनाने वाला बन गया, मतलब पटना नगर निगम, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट ऑनलाइन टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, सीबीटी का। अरे क्या अपनाने वाला बना है वो, अच्छा सॉरी भुला गए हम। हम नहीं थे कल की क्लास में। डिजिटल करेंसी अपनाने वाला बना है ना शायद, क्या बोलते हैं उसको, पटना नगर कल का निगम। क्लास में था सर। हाँ हाँ सॉरी मैं गलत पूछ डिजिटल दिया, ठीक है चलिए। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी डिसेबल, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्राई, 1997। ट्राई की बात करें बिल्कुल ध्यान है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था ट्राई को, 1979, 97। नाइनटी सेवन ट्राई को उन्नीस सौ इंट्रोड्यूस किया गया सन्तानवे था 80 होगा, 9-7, नौ सत्तानवे, सात नौ सात सन्तानवे होना चाहिए, ठीक है। यार टेलकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता 1997 में आया था, ध्यान में रखेंगे। और ये एक तरह का कैसा बॉडी है, ठीक है, कैसा बॉडी है, मतलब संवैधानिक है या फिर सावधानिक है, जिसको स्टेचुरी बॉडी किसको कहते हैं। विधिक ना है स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ और वही है, ठीक है। संवैधानिक, स्टेचुरी बॉडी जो है ट्राई में आता है, 1997 में स्थापना हुआ था, ठीक है। टेलकॉम रेगुलेटर एजेंसी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, गुरदीप सिंह इनके हेड एनटीपीसी के। 1975, महारत्न कंपनियों की उन्नीस संख्या सौ कितनी है, पचहत्तर महारत्न कंपनियों की संख्या 13 गो, 13 गो है, ठीक है। तेरह बिल्कुल ओएनजीसी का तो आप लोग जानते ही, देख लीजिए कौन कौन है, ठीक है। एनटीपीसी है 75 में स्थापना, ओएनजीसी की स्थापना बताइए, सबका स्थापना बता दे जाइए। उन्नीस सौ छप्पन 56 में है उन्नीस सौ क्या, छप्पन सेल हाँ बताइए, सेल ओएनजी बताइए, सेल, सेल्स 73-74, 1973-74, 73 73 में है, ठीक है। सेल 73 में, ठीक है। गेल बताइए, गेल का स्थापना कब हुआ था, 84 गेल 84 में, ठीक है। आईओसीएल छोड़ दीजिए, ठीक है। पचहत्तर, एक कोल इंडिया, कोल इंडिया का कब हुआ था, कोल इंडिया का स्थापना 1975। हमको सही है, 75। तो जहाँ 75 तो सही लग रहा है सर, देखना। बिल्कुल सही है, ठीक है। कोल इंडिया 75 सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें भेल, बीपीसीएल, ठीक है, एचपीसीएल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीएफसीआरईसी, ठीक है। नायका सबसे कौन बन गया, 13वां नंबर का कौन बना है, वाल इंडिया लिमिटेड, ठीक ओआईसी है। बिल्कुल, तो ओआईसी का मतलब वाल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ है, वाल इंडिया लिमिटेड का 1951 सर, पता नहीं इधर आ गया हूँ। कब हुआ है, 1959 में हुआ, कब हुआ है, 1959 में, ठीक है। 13 कंपनियां जो है सब क्या, महारत्न कंपनियां है, ठीक है। तो बताना है 13 कंपनियां महारत्न, नवरत्न कंपनियां कितनी है, नवरत्न कंपनियां, नवरत्न, 14 दो बार ठीक है। दिया एम टी एन एल का फुल फॉर्म क्या होता है, एम टी एन एल का फुल फॉर्म, एम टी एन एल का, महानगर टेलीफोन मेट्रोपॉलिटन निगम टेली लिमिटेड। टेलीफोन बिल्कुल, ठीक है। तो 13+16 का रेशियो आपको याद रखना है, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे नवीनतम मतलब बात करेंगे, सबसे नवीनतम मतलब बात करेंगे कौन है, सबसे नवीनतम मतलब क्या बोलते हैं उसको, नवरत्न कंपनियां, एनएलसी, इधर तो 16 इस नाम इसका थोड़े भी ना, लिखे रखे ये 16, ये पूरा 16 इसी का है क्या, 13 हो गया इधर के हैं। प्रमुख सार्वजनिक उपकर अध्यक्ष, एक तीन इधर है, 13 महारत्न होगा सर और 9 रत्न होगा 16। 14, 15, 16, 17, 18, 19, यही है, ठीक है। एनएलसी ही सर है, देख लीजिएगा, लेकिन पूछ सकता है सबसे नवीनतम कौन है, ठीक है। इसका भी नवीनतम, उसका भी नवीनतम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, यूजीसी 1956 1956 हाँ 1956 में एक यूजीसी की सेकंड स्थापना सर हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए जेएनयू, जेएनयू के हेड कौन है, जेएनयू के हेड मतलब शांति श्री कुलपति, पंडित बिल्कुल, धुलपड़ी शांति पंडित श्री धुरीपंडित, ये पूछा हुआ इसलिए मैंने इसको करवा दिया। यूजीसी का भी याद रखेगा, एच जगदीश कुमार है, 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ठीक है। हाँ एनसीआरटी की स्थापना कब हुई थी, एनसीआरटी की स्थापना 69 में, 1969 होगा, एनसीआरटी की स्थापना 1969 में, ठीक है, 61 में, ठीक है। और दिनेश प्रसाद सकलानी जो है इनके हेड है, ठीक है। सीबीएसई की निधि छब्बर है, छोड़ दीजिए उतना ज्यादा नहीं जानना है। इसका हाँ गठन इसरो के पता है बताइए, इसरो सर, के हेड कौन है, क्या सीबीएसई का पता है, उन्नीस सौ उनहत्तर स्थापना भी उसी के समय में हुआ था, वो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश के समय ही हुआ था, मतलब नया बनाया तो तीस में पता है। हुआ था, 1929 में हुआ था सीबीएसई की स्थापना, ठीक है। अच्छा ऑस्कर कब हुआ पुरस्कार था, दिया जाता है उसी समय से ना। हाँ उनको लगा से ऑस्कर पुरस्कार ये संस्था देती है, नहीं नहीं ठीक सर, है। अभी इसरो के बाद के 10वां नंबर के चीफ है, फर्स्ट इसरो चीफ कौन थे, वो
1969 में डॉक्टर विक्रम कौन साराभाई, हाँ विक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई साराभाई, ठीक है। चलिए बाकी परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो एके मोहंती साहब है, ठीक है। हाँ ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको बार्क कहते हैं, ठीक है। इनका अजीत कुमार मोहंती है, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, बार्क का पहले नाम क्या था, मुंबई ट्राम्बे ट्राम्बे करके बनाया ट्रांबे गया था मुंबई ना, नाम था, ठीक है। ट्रांबे मुंबई नाम की, इसकी उन्नीस स्थापना कब हुई थी भाभा वाला का, सौ अड़तालीस 54 ना। चौवन परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना उन्नीस सौ अड़तालीस का डीआरडीओ है, ध्यान बोलते रखेंगे। ये सीएसआईआर का हेड कौन होता है, ठीक है। सीएसआईआर का हेड, ठीक नरेंद्र है, मोदी प्राइम मिनिस्टर। सीएसआईआर का हेड सर। की बात करेंगे, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बात करेंगे, उसके हेड है उन्नी कृष्ण नैयर है, ठीक है, ध्यान ये भी रखेंगे, ठीक है। खेल संगठन का नहीं है, हाँ ये आईसीसी के हेड बताइए कौन है, आईसीसी के हेड बार्कले, ग्रेट ब्रेक बार्कले, बार्कले, ठीक बार्कले, ठीक है, ध्यान में रखें बेरकले, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या, बार्कले, ठीक है, ध्यान में रखें कौन है हेड, बार्कले हेड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हेड कौन है, तो क्या बताएंगे, जोसेफ एलाडिस और जोसेफ एलाडेस है, ठीक है। आपको बताना है सर, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है आईसीसी के, इंदिरा इंदिरा नूयी। नूयी, इंदिरा नूयी पहले किस संस्था में काम कर चुके हैं, इंदिरा नूयी एलआईसी में सर, एलआईसी में एलआईसी में, पेप्सिको के, वाह सॉरी सॉरी क्या बात है, पेप्सिको में। सॉरी सर, अरे माइक इनका एक और, सभी लोग माइक बंद कीजिए, कॉर्पोरेशन माइक बंद कीजिए सभी लोग, मेरे कहने के बाद भी किनका माइक खुला हुआ है, बंदूक लगा के इस तरह घंटे कीजिएगा। चलिए इंदिरा नूयी, ठीक है, इंदिरा नूयी पेप्सिको के सीईओ है, ठीक है। एशियाई एशियाई क्रिकेट परिषद के हेड कौन है, ऐसा जैसा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। हाँ ओलंपिक समिति का याद रख लीजिए, ठीक है, ओलंपिक समिति, ठीक है, थॉमस बाख जर्मनी के, ओलंपिक समिति। आईओसी का मतलब ऑफिस कहाँ पे है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, जर्मनी में सर, नहीं जर्मनी, तो जर्मनी का आदमी नहीं है रुक जर्मनी में जाइए नहीं है, रुक बता रहे गया, हैं सर, वहां बताइए, नहीं आ रहा सर सॉरी, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख, ठीक है। चलिए अब इसमें से इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, हाँ रोजर विन्नी का नाम याद रखिए, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, बीसीसीआई, बिन्नी बीसीसीआई के हेड कौन है, बिन्नी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई मुंबई में मुंबई में कहाँ पे, स्टेडियम मुंबई पे स्टेडियम के मुंबई अंदर में, में ठीक है, वानखेड़े के अंदर में, ठीक है, वानखेड़े अच्छा स्टेडियम, तो वानखेड़े के अध्ययन में, ठीक है। अंदर बीसीसीआई में के चयन बोलिएगा तो समिति में वहां रूम बस कहाँ है सर, कमरा मुरा होगा नहीं, ग्राउंड होगा। रूम भी है, ठीक है। अजीत अगरकर की बात करेंगे तो बीसीसीआई चयन समिति में है, ठीक है। मुख्य कोच की बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के, राहुल राहुल द्रविड़ है, बट द्रविड़, फीमेल का याद है, चेंज हुआ है, फीमेल वाला चेंज हाँ हुआ, क्या नाम अमोल है इनका, पहले मजूमदार, कौन थे, रमेश पवार थे, पहले कौन थे, रमेश रमेश पवार थे, ठीक है, और ज्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। इनके ऊपर केस वगैरह चल गया, लेकिन फिर भी गधा हटा नहीं, ब्रजभूषण शरण मिश्र, आपने देखिएगा कुछ दिन पहले दिल्ली में बहुत सारे नहीं हट पहलवानों रहे ने, हैं। ठीक है, बहुत सारे पहलवानों ने यस मतलब वो अनशन सर, वगैरह किया था, फिर भी इसको हटाया नहीं गया, ठीक है। चलो हॉकी इंडिया के हेड बताइए, हॉकी इंडिया के हेड, इसके ऊपर भी आरोप लगे थे, क्या नाम दिलीप है इनका, करके, पुष्पा बिल्कुल ठीक है, पहली महिला जो भारतीय ओलंपिक समिति के मतलब हेड बनी है, क्या क्या नाम है इनका, क्या उषा, बोलते थे इनको, पीटी उषा को, अथी बोलते थे वो गोल्डन, फ्लाइंग, गोल्डन क्या गर्ल इनको बोलते ही हैं, बोलते थे, खेल जगत पयोली की उड़न परी, पयोली खेल जगत उड़न की परी, उड़न उड़न परी, पयोली पयोली उड़न एक्सप्रेस ही परी, बोलते हैं, अच्छा दौड़ उड़न परी तो कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। हाँ भारतीय बैडमिंटन संघ बीआई के हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, ये मतलब उनका भी, कहाँ के सीएम है विश्व हेमंत विश्व शर्मा, शर्मा, असम के हेमंत असम के, ठीक है, बहुत सुंदर, सोरेन है, नहीं हेमंत वो हेमंत विश्व, सोरेन अरे है, विश्व शर्मा है, नहीं नहीं है हेमंत हेमंत सोरेन सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड के है, अच्छा असम में क्या करने जाएंगे, वो फॉरेन टाइटल ही पूरा सर झारखंड वो का है, ट्राइबल वाले जो है ना, हाँ तो झारखंड के ट्राइबल वाले, हेमंत विश्व शर्मा ये यहाँ के है, मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये असम के मुख्यमंत्री है, ये अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी है ये, ठीक है चले फिक्की के अध्यक्ष बताइए कौन है, फिक्की के अध्यक्ष, सालेस पाठक, चलिए फिक्की सॉरी महासचिव है, ठीक है, अध्यक्ष की बात कर अनीस शाह है, ठीक है। चलिए आप किसका याद करा दूं, मुझे इम्पोर्टेंट है, नास्कॉम का राजेश नाम्बियार याद कर सकते हैं, नैसकॉम हाँ बीएससी की बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या सुंदर राम मूर्ति, स्थापना कब हुई थी बीएससी की, स्थापना बीएससी की उन्नीस सौ स्थापना कब चौवन हुई में थी, बच्चे
नहीं 1954 में बीएससी की स्थापना नहीं हुई थी, कब हुई थी? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में बीएससी की स्थापना हुई थी। ठीक है, बात का अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष की बात करें गिरिशचंद्र चतुर्वेदी एनएससी, ठीक है ध्यान में रखेंगे। चलिए भारत के गवर्नर की बात करेंगे, भारत के गवर्नर का नाम बताइए क्या है, क्या नाम है? शक्तिकांत दास। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारत के गवर्नर की बात करेंगे तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25 नंबर के है, ठीक है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उप गवर्नर की बात करें स्वामीनाथन जानकी रमन है, चार उप गवर्नर होते हैं, ठीक है ध्यान में रखना है आपको, 1+4 होती है। ठीक है, आरबीआई का कौन से एक्ट में आरबीआई की स्थापना करने की बात करके एक्ट बताइए, एक कौन सा एक्ट था? 34 का एक था, ठीक है 35 में स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में, ठीक है थोड़ा बहुत आगे नहीं जाता, 20-20 साल आप लोग आगे चले जाते हैं। ठीक है 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट जो गवर्नर जो थे क्या थे, फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के कौन बने थे? भारतीय का बताइए ना, राष्ट्रीयकरण के बाद, राष्ट्रीयकरण के बाद बताइए ना, सी डी देशमुख के नाम से। ठीक है, किसी रेलवे क्या बोलते उसको, किसी जंक्शन का गेट इनके नाम से रख दिया गया है। ठीक है, चर्च गेट का नाम इनके ऊपर रखा गया। ठीक है, एमपी में चर्च गेट पड़ता है, मुंबई में पड़ता है चर्च गेट। ठीक है, चलिए बात करेंगे स्टेट बैंक के, बात करेंगे दिनेश कुमार खरा है पहले, मतलब तीन इंपीरियल बैंक होता था, तीनों इंपीरियल बैंक का नाम बताइए। अवध, बैंक ऑफ, सबसे पहले बताइए स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, मतलब स्टेट बैंक को मतलब स्टेट बैंक बनाया कब गया? फिर कभी गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है अब स्थापना लिखना वो भी लिख दे दो, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में हुई थी। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कभी 1806 में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे इसकी स्थापना 1840 में होती है। ठीक है, उसके बाद एक था बैंक ऑफ मद्रास, मतलब तीनों प्रेसिडेंसी बैंक था, इसको किस बैंक के नाम से जानते थे? प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना की बात करेंगे 1843 में होती है। ठीक है, 1800 तो बैंक ऑफ सबसे कलकत्ता सबसे पहले 1806 में, फिर बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की बात करेंगे 1843 में इसकी स्थापना, तीनों को मिला देंगे। ठीक है, तीनों को मिला देंगे, कब मिलाएंगे तीनों के? 1921 में तीनों को मिला देंगे। ठीक है, 1921 तीनों को मिला के बनाएंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या बनाएंगे तीनों को मिला के? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तीनों को मिलाकर बनाएंगे। ठीक है, फिर भारत सरकार क्या करेगी, फिर तीनों को मतलब क्या करेगी, मर्ज कर, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ना उसमें, उसको मतलब क्या करेगी 1955 में इसका नाम बदल के रख देगी, क्या रख देगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या रख देगी इसका नाम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट बैंक का इतिहास काम करेगा। ठीक है, इसमें बैंक ऑफ मद्रास, सॉरी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मतलब मद्रास, ठीक है रॉयल बैंक के नाम से जानते थे। ठीक है, ब्रिटिश को हर कुछ में अपना रॉयल लगाना पड़ता था। ठीक है, ये 1806, 1840, 1843 में, 1921 में, ठीक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनेगा, और बाद में जाके इसको क्या बनाएंगे 1955 में क्या बना देंगे? एसबीआई का नाम इसको दे देंगे। ठीक है, अगर पूछेगा बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में, राइटिंग मेरा बहुत अच्छा दिख रहा है ना, सभी लोगों को दिक्कत तो नहीं है? अब बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी। ठीक है, 1843 में हुई थी। ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनेगा, 1955 में एसबीआई बन जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यही कहानी थी इसका। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का होगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। हाँ चलिए, आप यहाँ पे देखेंगे 13, ये सबसे पहले जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी के शासन काल में, कब हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 1969 में हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, उन सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनमें जमा पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ तो नहीं था, उतना ज्यादा था, 50 करोड़ था, 50 करोड़ या उससे अधिक, 50 करोड़ या उससे अधिक था। दूसरा वाला में 200 करोड़ का टारगेट रखा गया था ना, जिसमें 6 बैंक का करेंगे, उसमें 200 करोड़ था। बिल्कुल सर,
बिल्कुल ठीक है। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में? 14 बैंकों, ठीक है। फिर मतलब कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया इंदिरा गांधी 1980 छह में? बैंक छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उस समय 200 करोड़ मतलब रखा गया था, ठीक है। स्मॉल डॉट मुझे नहीं याद है, 1969 में हुआ था, देख लीजिएगा इसको, ठीक है, देख लीजिए। स्मॉल बैंक नहीं याद है, सेकंड वाला 15 अप्रैल 1980, फर्स्ट वाला 19 जुलाई 1969, सेकंड वाला 15 अप्रैल 1980, 1980, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहाँ पे फिर देखें कि 2019 में 10 सार्वजनिक बैंकों के और 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके बाद में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। वर्तमान में कितना है? 12 है, ठीक है। वर्तमान में कितना है? 12 है, ठीक है। ध्यान में, इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें कर देंगे? तो इंडियन बैंक में हो गया। आंध्रा बैंक का विलय की बात करेंगे? इंडियन बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। पंजाब नेशनल बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में हो गया, ठीक है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के रूप में कर दिया गया। तो मैं भी कहीं पूछता है कभी कभी बैंकिंग वालों से, हमसे पूछता है, तो अपना एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू इसे कोई जरूरत नहीं, सब पूछता भी नहीं, ठीक है। इधर देख लू क्या है, इधर है आपका, हाँ, संयुक्त महासचिव के प्रमुख का बताइए नाम क्या है? अब प्रथम का भी नाम बता दीजिए और किस नेशन से आते थे? ये पुर्तगाल से। प्रथम वाले कहाँ से आते? फर्स्ट वाले कौन थे? फर्स्ट वाले त्रिगवेली। फर्स्ट वाला का नाम बताइए, त्रिगवेली। त्रिगवेली, ठीक है। कहाँ से आते थे त्रिगवेली? कहाँ से आते त्रिगवेली? नॉर्वे से आते थे, ठीक है, ध्यान में रखें, नॉर्वे से आते थे, ठीक है। क्या भारत का कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत का कोई व्यक्ति यूएनओ के हेड कभी बना है क्या? नहीं बना है। इसका नाम बताइए, यूएनओ में प्रथम न्यायाधीश का नाम क्या था? नागेंद्र सिंह, ठीक है। 77वें 78वें संयुक्त में महासभा का क्रमशः सावा कुरोसी जो कि हंगरी के थे, और अभी वर्तमान 78वां सत्र जो चल रहा है इसके जो हेड है डेनिश फ्रांसिस, जो कि कहां से आते हैं? ट्रिनिडाड एवं टोबैगो से आते थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखने लगे, ठीक। ट्रिनिडाड और टोबैगो से आते हैं। ट्रिनिडाड और टोबैगो की राजधानी कहां है? मत मारिए, कैप्टन का नाम बताइए, क्या नाम है? कैरेबियन नेशन है, ठीक है, ये कैरेबियन नेशन में आते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। कैप्टन का नाम नहीं पता इसका? अरे पोर्ट ऑफ स्पेन इसी का कैप्टन है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के कैप्टन पोर्ट ऑफ स्पेन, गलत नहीं तो बता रहा हूँ, पोर्ट ऑफ स्पेन एक बार देखिएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन है क्या? पोर्ट ऑफ स्पेन बोलते सर इसके कैप्टन को, ठीक है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। विश्व बैंक के हेड का नाम बताइए, क्या है विश्व बैंक के? कब बना था नाम? गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। ज्यादा पहले नहीं चली गई? 1961 में आई थिंक नाम बना था, एक बार देख लीजिए, 1961 सही है सर, ठीक है। 1961 में नाम का पहला हुआ था बेलग्रेड में, हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। यूनिसेफ का बताइए, यूनिसेफ इम्पोर्टेंट है, यूनिसेफ 1946, हाँ, तो यूनिसेफ की स्थापना 1946, मुख्यालय कहाँ है यूनिसेफ का? पेरिस, न्यूयॉर्क है, यूनेस्को, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है, ठीक है, यूनेस्को का पेरिस में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सार्क का महासचिव का नाम बताइए, इम्पोर्टेंट है, सार्क का महासचिव इशाला, बिल्कुल ठीक है। तो सार्क का बात करेंगे, सार्क कंट्री में कौन कौन कंट्री आता है? कंट्री का नाम बताइए, तो कौन कौन कंट्री है सार्क में? इंडिया, पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान कौन बोले? थोड़ा सा इधर थोड़ा सकल दिखाई दे, पाकिस्तान वाले सार्क में, पाकिस्तान अभी आया ही नहीं। देखिए, सबसे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आठवां कंट्री पाकिस्तान बन सकता है, क्योंकि मतलब इसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रशिया छूट गया, ठीक है। नौवां कंट्री बन सकता है पाकिस्तान, क्या नाम है इसका? पाकिस्तान बन सकता है, ठीक है। नहीं सर, रशिया इसमें कैसे होगा? रशिया नहीं होगा, सॉरी ब्रिस्क में, रशिया, सॉरी ब्रिस्क में पाकिस्तान है इसमें, ठीक है, सही है, ब्रिस्क में पाकिस्तान की शामिल होने की बात हो रही है, सॉरी
अरे हम कंफ्यूज हो गए ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल करने की बात चल रही है, इसको रशिया और चाइना ने सपोर्ट कर रहा, आप सही बता रहे थे। ठीक है, मेरा दिमाग ब्रिक्स सार्क की में तरफ था क्योंकि ब्रिक्स बड़ा चर्चा में ना आजकल है, क्योंकि पाकिस्तान उसमें शामिल होने की बात कर रहा है। ब्रिक्स में ना शामिल हो रहा पाकिस्तान? जी हाँ, ब्रिक्स में पाकिस्तान की शामिल होने की बात चल रही है, पाकिस्तान सही बता रहे थे। ठीक है, कितने 8 कंट्री है। ठीक है, 9 जो है ऑब्जर्वर स्टेट में आता है। ठीक है, चाइना जो है एज ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्थापना कब हुई थी सार की स्थापना? 85 1985 1950 में। तारीख की बात करने को ध्यान में रखिए, आई थिंक 8 दिसंबर था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सात भी देता है, आठ भी देता है, कहीं कहीं। अच्छा, अब इसमें क्या है? इंटरपोल। इंटरपोल को इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, इसमें है नहीं कुछ, बहुत इसमें फालतू भी दिया रहता है ना। कुछ महिला जो थी चर्चा में थी उनके बारे में, दीपिका मिश्रा। क्यों चर्चा में थी दीपिका मिश्रा? चर्चा में रहने के कारण वीरता वायुसेना पदक प्राप्त पदक करने मिला था वाली ये। पहला वायुसेना अधिकारी थी। ठीक है, कहाँ पे इनको वीरता पदक मिला था? कहाँ पे? अच्छा, उत्तराखंड में बाढ़ आ गया था, वहां पे काम करने, उत्तराखंड था कि मध्य प्रदेश में बाढ़ में, कहाँ पे काम करने के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया था एमपी इनको? था, एमपी हो जाएगा। नहीं, एमपी। ठीक सिक्किम, है, गीता राणा से क्या फैक्ट? गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर की बात की, गीता राणा है, ध्यान में रखिएगा। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ का। अलका मित्तल की बात, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। एमपी। मेघना अहलावत से क्या प्रश्न बनेगा? पहली ये मेघना महिला अहलावत अध्यक्ष है। ठीक है, भारतीय कोटा टेबल टेनिस का एक मतलब कौन सा? प्रीति अहनवाला था, वो कहाँ के बनी थी? प्रीति अहनवालत की क्या नाम था उनका? आईआईटी की बनी थी, कहाँ पे? तंजानिया वाला में। प्रीति नाम था ना आईआईटी उनका, मद्रास, आईआईटी तंजानिया। मद्रास। ठीक है, ध्यान में हाँ, रखें। प्रीति, माधवीपुर बीच की बात करेंगे, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, ध्यान में रखेंगे। ठीक सेबी, सोमा है, सेल की पहली महिला चेयरमैन सेल मंडल, की कौन है? शोमा मंडल। क्या नाम है इनका? शोमा मंडल। ठीक है, भारत की सबसे युवा पायलट का नाम क्या है? भारत का सबसे युवा पायलट फीमेल में बताइएगा। अच्छा ऐसा जी। ठीक है, कहाँ से आते हैं? जम्मू कश्मीर से आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 29 में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की बात करेंगे, नासा भेज रहा है, क्या नाम है इनका? श्रीसा बांदला। सिरिसा बांदला बनी है। ठीक है, एक दिन के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी है? दृष्टि गोस्वामी को सृष्टि गोस्वामी बनी है। ठीक है, स्वामी जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुरी पंडित बनी है। ठीक है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? भावना कुंज। भावना कंठ बनी है। ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? नौसेना की पहली महिला पायलट जोशी, क्या नाम है? शिवांगी जोशी। सबसे युवा सांसद कौन बनी है? सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू। ठीक है, चंद्रानी जोशी। मुर्मू जो है सबसे युवा सांसद है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली भारतीय महिला वकील। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, क्या क्या नाम है? इंदु मल्होत्रा। ठीक है, इंदु मल्होत्रा भी चर्चा में था किसी केस को लेकर। किस केस को लेकर चर्चा में था? मोदी जी के ऊपर जो पंजाब में जो मतलब जो मोदी हुआ का था पंजाब उनके, में मोदी जी के जो ऊपर जो सिक्योरिटी ब्रिच पंजाब हुआ में था जो हुआ ना, था सिक्योरिटी मतलब जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी था, उनको हेड कर रही थी शायद इंदु मल्होत्रा। ठीक है, हीना जसवाल की ऑफ बात करेंगे तो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई है। ठीक है, चर्चित इंटरनेशनल महिलाओं की बात करेंगे तो उसमें से सबसे पहले जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली प्रधानमंत्री, आजकल लंडन। मीम बहुत बन रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, क्या नाम इनका है? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद रेयान बरावानी भी चर्चा में, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, क्या नाम है इनका? क्या नाम है? रेयान बरावानी। ठीक है, हाँ, रियाना पाकिस्तानी, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी, क्या नाम? सना रामचंद्रन गुलवानी। ठीक है, उन हिसाब से गुलवानी। हिंदू, सना भी लगा हुआ, गुलवानी भी लगा हुआ। सना रामचंद्रन गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, क्या नाम इनका? आशा आयशा मलिक मलिक। ठीक लाहौर है, में। गीता गोपीनाथ से क्या प्रश्न? सर आईएमए की पहली उप प्रबंधक निदेशक बनी है, क्या? गीता, क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। गोपीनाथ। बिल्कुल ठीक, मनीषा रोपेटा। हाँ, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी बनी है पाकिस्तान की, नौरा अल मतलूसी से इंपोर्टेंट है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कभी कभी महिलाओं से प्रश्न पूछता है तो इसलिए आप इसे याद रखें। राजदूत छोड़ लीजिए। ठीक है, आप ऐसा करो, राजदूत में दो तीन देशों का याद कर लीजिए कौन कौन है, कोई जरूरत नहीं इसको याद करने का। जरूरी हाँ, श्रीलंका का राजधानी श्री जॉर्ज ने पूरे कोटे चर्चा में था। संतोष झा जो यहाँ का मतलब क्या है?
संतोष जहाँ के मतलब राजदूत है या फिर उच्चायुक्त होते हैं, ठीक है, उच्चायुक्त तो बोला जाता है श्रीलंका में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी मोदी जी गए थे ना, नाम चर्चा में आया था, भोपाल बागले का नाम याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए कहाँ पे है? कैनबरा। कैनबरा, ठीक है, बहुत सुंदर, कैनबरा, कैनबरा ठीक है। यहाँ पे कौन है? गोपाल बागड़े, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका के संतोष झा। बुर्किना फासो का कैपिटल का है? बुर्किना फासो, ओगाडोगू, क्या नाम है? ओगाडोगू जो है बुर्किना ओगाडोगू। फासो के कैपिटल है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के कितने राजधानी है? हाउ मच कैपिटल है साउथ अफ्रीका? दो तीन राजधानी है शायद उसके, दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। उसका प्रशासनिक राजधानी की बात करें प्रिटोरिया है, ठीक है। प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है? प्रिटोरिया है, ठीक है। घाना का राजधानी की बात करें आकरा है, ठीक है। और अंकारा किसकी राजधानी? अंकारा टर्की टर्की का है, ठीक है। साइप्रस की राजधानी चर्चा में रहता है, क्या नाम है साइप्रस की राजधानी? कई बार एग्जाम में पूछा, साइप्रस का की निकोसिया, ठीक है। अस्ताना की राजधानी बताइए, अस्ताना की राजधानी? बिल्कुल अस्ताना तो राजधानी ही है ना, कजाकिस्तान की। ठीक है, ताजिकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये लेबनान का राजधानी की बात कर, बेरूत है। कुछ दिन पहले ना यहाँ पे मतलब क्या बहुत बड़ा बम विस्फोट, बहुत बड़ा मतलब जहाज में विस्फोट हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? नहीं सर, हाँ, फर्टिलाइजर कंपनी में बहुत ब्लास्ट हुआ था ना, तो लिक्विड कि जहाज में हुआ था विस्फोट, कुछ तो हुआ था जहां पे पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। कतर की राजधानी के बाद के दोहा है, चर्चा में क्यों रहा था दोहा? क्यों रहा था चर्चा में दोहा अभी हाल फिलहाल में? फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप इसने करवाया, ठीक है। केप वर्डे की राजधानी की बात कर, प्रिया, क्या बात है, प्रिया नाम है इसका, ठीक है। केप वर्डे की राजधानी क्या है? प्रिया। स्विट्जरलैंड की राजधानी तो आप लोग जानते हैं बर्न ही है, याद रखिएगा, ठीक है। ज्यूरिख वगैरह नहीं है, बर्न है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के किस शहर में, ठीक है, वहां पे एक फाइनेंस का मीटिंग होता है विंटर के समय में होता है, जो कि दुनिया के सारे अर्थशास्त्री, ठीक है, प्रमुख देश के अर्थशास्त्री, प्रमुख कंपनी के सीईओ वगैरह सब पहुंचते हैं। कहाँ पे होता कैसे? है? दावोस में होता है। कहाँ पे होता है? दावोस में होता है, ठीक है। फिनेंशियल मीटिंग होता है दावोस में, ठीक है। देखिए दुनिया के सारे अर्थशास्त्री, प्रमुख बैंक के सीईओ वगैरह सब कुछ पहुंचते हैं दावोस में, ठीक है। नॉर्वे का राजधानी जानते हैं ओस्लो। ओस्लो में मतलब एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिटी ऑफ पीस कहते हैं का इसको, पीस प्राइज, नोबेल का पुरस्कार देते हैं, ठीक नोबेल है। पीस बोत्सवाना, नरगिस। बोत्सवाना की बात करेंगे तो गाबोरोन है। बोत्सवाना किस महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा? अफ्रीका अफ्रीका में, वेरी गुड, ठीक है। कहाँ पे? अफ्रीका में आप देखोगे ग्रीस, ग्रीस का कैपिटल की बात एथेंस है। सबसे पहले एथेंस ओलंपिक की शुरुआत यहीं पे हुई थी एथेंस में, ठीक है। ईरान की 1896 कंपनी की बात करेंगे, क्या है तेरान, कब हुई थी? 1896 में सर। हुई थी। कब हुई थी? 1896 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1896 में तो आधुनिक ओलंपिक हुआ था ना, एथेंस वाला ओलंपिक कब हुआ था? कुछ भी लिखवा देते आप लोग। सर ग्रीक में यही हुआ था, 1896 वाला ही हुआ था। अरे आधुनिक ओलंपिक ना नया अठारह सौ वाला ही छियानवे में हुआ हुआ था। था, एथेंस में जो सबसे पहले ओलंपिक जो हुआ था सात पुरातन सौ सभ्यता में हुआ छिहत्तर था, हाँ वही सेवन वही है सेवन सर। सेवन सिक्स में हुआ था, सेवन सेवन सिक्स में, ठीक सात सौ छिहत्तर है। सर 1896 जो है, ठीक है, आधुनिक ओलंपिक का डेट है, ठीक है। बट ये भी हुआ था एथेंस में ही सर, 1896 वाला भी। मॉडर्न वाला ही हुआ था भाई इसमें एथेंस में। हाँ ठीक है, आप चलेंगे। एप्पल का सीईओ का नाम बताइए। टीम टीम कुक को माइक्रोसॉफ्ट का, सत्य नडेला, नडेला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, आधार पूना वाला, वाला इसको एक वाला प्राइज भी मिला है, कौन प्राइज मिला है? आधार इसको कोई प्राइज भी मिला है अभी। कोविड के लिए, हाँ मिला है, कोविड ठीक है, कोविड के के लिए, लिए कोविड कोविड टीका वैक्सीन, बनाने के। टाटा सन्स का बताए, टाटा सन्स का एन सिद्धार्थ चंद्रशेखर, शर्मा, बिल्कुल एन चंद्रशेखर, ठीक है। मास्टर गेट के कौन है? माइकल माइबैक। माइकल माइबैक, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चेंज हुआ है, रोहित जावा, ध्यान में रखेंगे। संसद टीवी की बात करेंगे, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी को मिला दिया गया, उत्कल कुमार सिंह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सलील इन्फोसिस की बताइए, पारिक है, अल्फाबेट इन और मतलब बात के गूगल का, दोनों का सुंदर पिचाई है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक एंडी है। अमेजन का कौन है? अमेजन का जैसी अमेजन के बात करेंगे तो क्या है? एनडीजेसी, ठीक है, ध्यान में एनडीजे। रखें। अमेजन का क्या है? तो एनडीजेसी आपको नाम याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे क्या बताएंगे? फ्लिपकार्ट का बताइए, क्या है फ्लिपकार्ट का? बिल्कुल, के कृष्णा मूर्ति, के कृष्णा मूर्ति, बिन्नी बंसल ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए बात करेंगे फेसबुक का सीईओ बताइए, क्या है? मार्क मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। बाकी ट्विटर का सीईओ लिंडा एराकिनो से पहले कौन थे, पराग जिस समय ट्विटर ट्विटर की अग्रवाल थी? को, पराग अग्रवाल पराग अग्रवाल, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। व्हाट्सएप पे कौन है? व्हाट्सएप का
ठीक है, नहीं पूछेगा इम्पोर्टेंट यूट्यूब का याद रखिए, ठीक है। क्या नाम है यूट्यूब का? भारतीय मूल के ही बन गए नील मोहन, ठीक है। क्या बने? नील मोहन जो है भारतीय मूल के ही। इसने पहले कुछ सुजान करके कोई थी, क्या उनका सुजान करके कुछ थी, फीमेल थी, उसके बाद नील मोहन बने, ठीक है। बात के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का छोड़ दीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डारपुना वाला, ठीक है। स्पेसएक्स का था पता है, एलन मस्क है, ठीक है। इसी का टेस्ला भी ध्यान में रखिएगा, टेस्ला, टेस्ला भी इसी की कंपनी है। ओपन एआई का भारत में, ओपन एआई का भारत में है मीरा मुराती। अब आते हैं सोशल मीडिया का भारत में, शिकायत अधिकारी छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए, ठीक है। ये सब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहले गन्ना रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाघ गन्ना रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, क्या बताएंगे? वन जीव संस्था, ठीक है, भारतीय वन जीव संस्था, ठीक है। भारत में बाघों की संख्या कितनी है ये मत कीजिएगा, ठीक है, 3167 ही बताइएगा। इससे पूर्व के जारी रिपोर्ट बाघों की कुल संख्या इतनी, ये भी प्रमाणिक डाटा नहीं है, ठीक है, 3167 बताई गई है। सर्वाधिक बाघ विश्व का, ठीक है, विश्व का 75% बाघ केवल आपको भारत में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक बाघ आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? सर्वाधिक बाघ एमपी में, ठीक है। एमपी को मतलब क्या कहते हैं, बाघ राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। 2018-2022 के बीच में, ठीक है, 2018 चार वर्षों पे गन्ना होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2018-2022 के बीच में बाघों की संख्या में 24.1% की मतलब क्या देखी गई, वृद्धि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बात करेंगे भारत में सबसे अधिक बाघ जो है किस अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगा, सबसे अधिक बाघ, बिल्कुल, किस में? जिम कॉर्बेट में आपको देखने 260 बाघ आपको यहाँ पे, कितने बाघ यहाँ पे? 260 बाघ जो है जिम कॉर्बेट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिहार में बाघों की संख्या राम गंगा हो गया अब, हाँ तो राम गंगा हो गया, सबसे पहले हेली था 1936 में, उसके बाद होता है इसका जिम कॉर्बेट होता है, अब फिर जाके राम गंगा नदी जो है इसके बीच से गुजरती, इसलिए इसका नाम राम गंगा रख दिया गया, ठीक है। बिहार में बाघों की संख्या की बात करेंगे, 2018 में 31 थी, 2022 में बैठ के 24 हो गई है। बिहार में एक ही मतलब टाइगर अभ्यारण्य, इसका नाम क्या है? बिहार वाला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, बीटीआर, ठीक है, बीटीआर के नाम से इसको जानते हैं। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में ये आपको है, ठीक है, वेस्ट चंपारण में ये आपको दिख जाता है, ठीक है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत में बाघों की संख्या, ठीक है, 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर की बात करेंगे तो 6.1% दर्ज किया गया, ठीक है। अब आते कुछ तूफान वगैरह जो है उसके ऊपर जो बात करेंगे, गुलाब तूफान की नामकरण किसने किया, क्या बताया? बंगाल की खाड़ी में किसने नामकरण किया था? बिल्कुल, आसनी का नामकरण किसने किया था? आसनी का नामकरण श्रीलंका ने किया था, बिल्कुल। सितरंग का नामकरण किसने किया था? थाईलैंड, थाईलैंड ने किया था, बहुत सुना। मेंडुस का नामकरण किसने था? मेंडुस का नामकरण क्या बताएगा? मेंडुस यूएई ने किया था, बहुत सुना। मोशा का नामकरण किसने किया था? मोशा का नामकरण यमन ने, ठीक है। बिपरजॉय का नामकरण किसने किया? बिपरजॉय का नामकरण बिल्कुल बांग्लादेश ने किया था, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए हामून का नामकरण की बात करेंगे, ईरान ने किया था, ठीक है। भारत में जितने भी, ठीक है, भारत में जितने भी प्रभावित करने वाला जो भी आएंगे, ठीक है, ज्यादातर बंगाल के खाड़ी या फिर इक्का दुक्का अरब सागर को प्रभावित करेंगे, ठीक है, या तो बंगाल के खाड़ी को प्रभावित करेंगे या फिर अरब सागर। बंगाल के खाड़ी से जो भी उत्पत्ति होगा वो सबसे ज्यादा हमें किस राज्यों को नुकसान पहुंचाएगा? ओडिशा को, पश्चिम बंगाल को और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न से ओडिशा को, पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जो बंगाल की खाड़ी से जो मतलब उत्पन्न होगा, ठीक है। अरब सागर से जो चक्रवात उत्पन्न होगा तो ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र को, गुजरात को नुकसान होगा, ठीक है, याद कर लीजिए। अरब सागर से जो भी चक्रवात की उत्पत्ति होगी, महाराष्ट्र गुजरात को, बंगाल की खाड़ी से अगर चक्रवात की उत्पत्ति होगी तो बंगाल को, ओडिशा को और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, यही है, ठीक है। बिहार को कहां से उत्पन्न हुई चक्रवात से नुकसान होगा? बंगाल की खाड़ी। हाँ देखिए बिहार को तो कहीं से उसे होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मानसून वगैरह को इफेक्ट करने के लिए बंगाल की खाड़ी से अगर होता है ना, उससे बिहार में इफेक्ट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली बिहार नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, बिहार डायरेक्टली नहीं होगा किसी भी चक्रवात से प्रभावित। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिहार में क्या नहीं है? समुद्र नहीं है, ठीक है, बिहार में क्या नहीं है? समुद्र नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, बिहार जो है लैंडलॉक्ड है, ठीक है। आप चलेंगे, ठीक है, पहला देखेंगे विश्व के तीन सबसे सुपर कंप्यूटर जो है उसमें से पहला फ्रंटियर है, ठीक है, फ्रंटियर कहाँ का है? फ्रंटियर यूएसए का, ठीक है। फुगाकू कहाँ का? फुगाकू क्या बताएंगे? फुगाकू जापान का। लूमी जो है फिनलैंड का है, ठीक है, लूमी कहाँ का है? फिनलैंड का है, ठीक है, लूमी फिनलैंड का। फिनलैंड के कैपिटल का नाम बताइए, क्या है फिनलैंड के कैपिटल का नाम? हेलसिंकी, बिल्कुल, हेलसिंकी की बात करेंगे तो फिनलैंड का क्या है? तो फिनलैंड का क्या है? कैपिटल है, इसे आप क्या रखें? याद रखें।
आगे चलते हैं तो आगे क्या है देखने को मिलता है वो भी देखते हैं। की बात करेंगे सीधे भारत के तीन सबसे परम सिद्धि सबसे सुपर फास्ट है सीधे पुणे के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा नंबर पे बात करेंगे तो क्या है प्रत्यूष है, क्या नाम है उनका प्रत्यूष है ठीक है ध्यान में रखें क्या प्रत्यूष है ठीक है ध्यान में रखेंगे ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे मिहिर, मिहिर कहाँ का मिहिर पुणे सुपर परम सिद्धि प्रत्यूष मिहिर इन सब का नाम आपको ध्यान में रखेंगे ठीक है। आप चलेंगे आगे ठीक है, आप चलेंगे भारत का वन स्थिति रिपोर्ट आ गए ठीक है। सबसे पहले पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 13 जनवरी 2022 को भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत किया गया जो कि कितने नंबर का था क्या बताएंगे 17 कितने नंबर का 17 नंबर का था ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए देश के कुल वन वृक्षारोपण टोटल डाटा छोड़िए कितने प्रतिशत है 24.62% है, कितना है 24.62% जो कि मतलब एक एक्चुअल कितना होना 33% के आसपास होना चाहिए ठीक है ध्यान में रखेंगे ठीक है। देश में कुल वनावरण की बात करेंगे तो 21.71% है, वृक्षारोपण की बात करेंगे तो 2.91% जोड़ने पर 24.62% आपका हो जाएगा। तो सिंपल प्रश्न आपसे पूछा कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है तो 24.62%, आसान है। दो के बाद क्या आएगा चार, चार के बाद दो जोड़ेंगे छह ठीक है, तब ऐसे भी 2.462% ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे ठीक है, देश के कुल वनावरण की बात करेंगे कितना है तो 71.21.71% माइक बंद कीजिए ठीक है। और कुल वृक्षारोपण कितना है 2.99% है ठीक है, समझ गए। हाँ ये याद रख सकते हैं, मतलब कुल वृद्धि वन में और वृक्षारोपण में कुल कितना वृद्धि हुआ पिछले साल के कंपेयर में तो 2261 वर्ग किलोमीटर का आपको वृद्धि आपको देखने को मिलता है ठीक है, जिसमें से वनावरण में वृद्धि 1540 है, वृक्षारोपण में 721 है, दोनों को जोड़ दीजिए अगर कितना आएगा 2261 होगा ठीक है। मैंग्रोव देश में कुल मैंग्रोव वन कितना, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में कुल कितना मैंग्रोव वन है क्या बताएंगे 4992 ठीक, कितना है तो ध्यान में रखेंगे 4992 वर्ग किलोमीटर, वृद्धि कितना किलोमीटर आपको देखने को मिला क्या बताएंगे 17 किलोमीटर का वृद्धि है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है क्या बताएंगे वेस्ट बंगाल है ठीक है। वेस्ट बंगाल में अकेले आपको 42.33% आपको मैंग्रोव वन आपको दिखेगा ठीक है। गुजरात दूसरे नंबर पे आएगा कि गुजरात में आपको कच्छ का रण दिखने को मिलता है तो वहां पे आपको मैंग्रोव वन दिख जाएगा ठीक है, जहां पे 23.54% है। डाटा डोंट भी याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बोलेगा सर्वाधिक मैंग्रोव वाले वन क्षेत्र वाले राज्य को ठीक है सजाने के काम कीजिए घटते क्रम या फिर अवरोही या फिर आरोही में, तो आप इसको कर लेना ठीक है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात और तीसरे नंबर पे क्या है अंडमान निकोबार ठीक है। आप देखेंगे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, सबसे अधिक वन कहाँ पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे क्या होगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। आप दरोगा के लिए कर रहे हो ना तो केवल पहला नंबर पे याद रखो काम चल जाएगा आपका ठीक है। सबसे कम कहाँ पे वन है तो क्या बताएंगे सबसे कम वन हरियाणा ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे कम वन की बात करेंगे तो सबसे कम वन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा तो क्या बताएंगे तो हरियाणा में आपको सबसे कम आपको वन देखने को मिलेगा ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। सबसे कम वन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में ठीक है। चलिए अब आते हैं वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष का, सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि आपको कहाँ पे दिखाया है तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि दिखाया है ठीक है, इतना ही आप ध्यान में रखो। उसका तेलंगाना है ओडिशा छोड़ दीजिए, अब आंध्र प्रदेश बस याद रखिए। अब हम देखेंगे क्या सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है, सबसे अधिक वन तो आपने देखा मध्य एरिया के वाइज, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य की बात करेंगे तो मिजोरम है, क्या है मिजोरम है ठीक है। मिजोरम में मिजोरम के भूमि पे 84.53% पे आपको वन दिखेगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है ठीक है ठीक है। और देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक इंपोर्टेंट है 7204, बीपीएससी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है लेकिन एसआई के लिए उतना इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है। आप चलेंगे ठीक है, आप चलेंगे चावल के उत्पादन में ठीक है, बिहार भारत में प्रथम स्थान बताइए किस राज्य का होगा चावल के उत्पादन भारत में प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल ठीक है। आलू और गेहूं में किसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, मक्का में कर्नाटक हो जाएगा ठीक है। केवल भारत का याद कीजिए ठीक है, बीपीएससी के सॉरी बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल भारत का याद कीजिए। मूंगफली और दाल में बताइए किसका हो जाएगा मध्य प्रदेश का, भारत जो है ना इसमें दुनिया में भी सर्वाधिक करता है ठीक है। मूंगफली में बात करेंगे तो गुजरात है ध्यान में रखिएगा। गन्ना में बात करें, गन्ना चर्चा में था उत्तर प्रदेश ठीक है, गन्ना में क्या है उत्तर प्रदेश ठीक है, लेकिन सबसे अधिक गन्ना के लिए अभी महाराष्ट्र निकल कर आया था, चीनी के लिए है महाराष्ट्र की गन्ना के लिए महाराष्ट्र है।
महाराष्ट्र चीनी के लिए है, ठीक है। बात करें भारत जो है ना चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। सर तो क्या है? नहीं सर, सेकंड प्रोड्यूसर है, फर्स्ट कंज्यूमर है। ऐसा है क्या? ब्राजील फर्स्ट है। हाँ अच्छा। सही बोल रहे। गन्ना में तो ब्राजील है, चीनी में भी ब्राजील है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जूट की बात करेंगे तो ध्यान रखें विश्व में प्रथम क्या? चीनी में इंडिया है एक नंबर। वही तो हम बोले हैं, लेकिन आप लोग तो चीनी में इंडिया ही पढ़ा था। ब्राजील हो गया है सर। तो गन्ना तो चीनी हो सकता है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है चलिए आगे, दिया ही होगा, मे भी कहीं दिया होगा। जूट में बात करेंगे तो भारत विश्व में प्रथम है, और भारत के किस राज्य में जूट उत्पादक सबसे अधिक होता है? तो ध्यान में रखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तंबाकू में चीन है, ठीक है, लेकिन भारत में आंध्र प्रदेश राज है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे तंबाकू रिसर्च सेंटर है? राजमुंद्री में, ठीक है। प्राकृतिक रबर भारत में सबसे अधिक केरल से मिल जाएगा। कॉफी के लिए आपको कर्नाटक जाना पड़ेगा। सूर्यमुखी के लिए यूक्रेन वर्ल्ड में, ठीक है। भारत में आपको कर्नाटक जाना पड़ेगा। ज्वार के लिए भारत में महाराष्ट्र जाइए। कपास के लिए गुजरात जाइए। प्याज के लिए महाराष्ट्र जाइए। महाराष्ट्र का नासिक क्षेत्र जो प्याज उत्पादक में बहुत अच्छा करता है। चाय के लिए आपको असम जाइए, ठीक है, ठीक है। सोयाबीन के लिए आपको मध्य प्रदेश जाएंगे, इसलिए सोया प्रदेश के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, लेकिन सोया प्रदेश दूसरे संदर्भ में है, ठीक है। दूध के लिए आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। पहले चेंज हो गया, पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन राजस्थान जो है दूध और ऊन में क्या है? चीनी में देखिए गलत किनका था? ब्राजील वाला गलत हो गया, महाराष्ट्र वाला। इसलिए सजा अपने आप को दीजिए, दीवार में दो बार सर को जोर जोर से मारिए, ठीक है, ताकि भविष्य में गलती ना हो। मसाला सर, के लिए एक मिनट सर, आप करंट अफेयर अभी पढ़ाए थे ना परसों वाले में, उसके दिन आप बता रहे थे। नहीं तो अभी तो मैंने यही बताया ना, मतलब उस समय कब हम बताया थे? मतलब से ब्राजील है, हम करें झूठ मत बोलिए। मैंने करंट अफेयर इधर पढ़ाया ही नहीं, कब पढ़ाया करंट अफेयर? कब कब की बात है ये? स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको, ठीक है। ओ माय गॉड, प्रूफ रखा जा रहा है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुल तिलहन की बात करेंगे तो राजस्थान इसमें क्या है? प्रथम स्थान पे है। भारत भी प्रथम स्थान पे। तो भारत किसके किसके उत्पादक में विश्व में प्रथम स्थान पे है, ठीक है, रील बनाने में, के बाद दलहन में, ठीक है, जूट में, दूध में, ठीक है, चीनी में, मसाला में और कुल तिलहन में, ठीक है, समझ गया ना? इंडिया में मसाला मल्ला मध्य प्रदेश दिया हुआ, लेकिन केरल होता था ना पहले, चेंज हो गया क्या? हालात बदल गए क्या? हालात बदल गया, ठीक है। मामा जी की सरकार फिर से वहां पे रिस्टेबल हो रही है। चलिए मामा जी लेकिन भी कमाल है, वो भी बहना और भांजी योजना ही लेकर आ रहा, भांजा योजना, ठीक है, भाई योजना, ऐसा कुछ नहीं ला रहे वो। उधर से इधर भी मोदी जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटा को क्या करो? बेटा बचाओ बेटा भगाओ। इनको भी लाना चाहिए, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, ठीक है, आएगा। अभी चीजें जब परिवर्तित होगी ना, तो 50 साल के बाद आज के बाद ना, जब पुरुषों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो फिर से योजना का बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, ठीक है, के लिए है ना, सीखो कमाओ। उसमें लड़की नहीं है क्या? सीखो कमाओ में पूरे सबके लिए है, ओवरऑल के लिए है वो, पकौड़ा नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। कोयला के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? कोयला के छत्तीसगढ़, ठीक है। रिजर्व में कौन सा है? रिजर्व कोयला रिजर्व सबसे ज्यादा किस राज्य के पास है? उड़ीसा रिजर्व, झारखंड रिजर्व। भारत में एक जगह है पन्ना, जो कि हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, उस जगह पड़ता है मध्य प्रदेश में, पता ही होगा। अब विश्व में हीरा के लिए रूस, ठीक है, तांबा के लिए भारत में मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। विश्व में चीनी है, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत में लौह अयस्क के लिए कौन है? ओडिशा है। कौन है भारत में लौह अयस्क के लिए? ओडिशा है, ठीक है, याद रखे इसे। चांदी के लिए बात करेंगे, विश्व में मैक्सिको है, लेकिन भारत में चांदी कहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो क्या बताएंगे? राजस्थान। कच्चा तेल के लिए बात करेंगे, अमेरिका है, लेकिन भारत में सबसे अधिक कच्चा तेल राजस्थान देता है। प्राकृतिक गैस में बात करें रूस है, लेकिन भारत में बात करेंगे असम है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन भारत में क्या है? ओडिशा है। मैग्नीज में बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन भारत में क्या है? मध्य प्रदेश है। सोना में विश्व में चीन है, लेकिन भारत में क्या है? कर्नाटक है।
अब्रैक में कभी बिहार हुआ करता था। माइक कहाँ से आवाज आ रही, बंद कीजिए तो माइक, बात करते थे तो माइक क्यों खोल के रखते हैं आप लोग? बार बार बोलता हूँ क्लास में थोड़ा डिसेंसी और मेरा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। कहने के बाद भी बात नहीं समझ में आ रहा है। ये दो चार जो नए नए जो चले आते हैं ना, जो रेगुलर क्लास में, उन्हीं के द्वारा ये सब हरकत की जाती है। बाकी मेरे क्लास में डिसिप्लिन और डिसेंसी मेंटेन करके रखिए या फिर मत आया कीजिए, ठीक है? अगर इतना भी अगर नहीं कर सकते हैं तो। अब रख में बात करेंगे, चीन आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे, यूरेनियम में कजाकिस्तान है, विश्व में ध्यान में रखिएगा, विश्व में कजाकिस्तान इंपोर्टेंट है, भारत में आंध्र प्रदेश, ठीक है? लेकिन भारत में एक यूरेनियम का एक प्रकार थोरियम पाया जाता है। कहाँ पे मिलता है थोरियम? केरल, ठीक है, केरल में, ठीक है। बात टंगस्टन में बात करेंगे, विश्व में कौन है? टंगस्टन में चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश, ठीक है। कैडमियम में भी चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश, चार को चीज में ना, ऊपर भी था आंध्र प्रदेश का, नहीं, ठीक है। क्या क्या चीज? अब्रक में, यूरेनियम में, टंगस्टन में, कैडमियम में, ठीक है, निकल में, इंडो, भारत में उड़ीसा, झारखंड का जादू गोरा होगा ना? जादू गोरा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं ओवरऑल में, मतलब वो ऊपर नहीं है, ठीक है। जादू गोरा खान पड़ता है, वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्रोमाइट में आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा है, टीन में आपका छत्तीसगढ़ है, सीसा में आपका राजस्थान है, प्लेटेनियम में आपका क्या है? ओडिशा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में सुने तो सोना मिला था, बिहार का तो नाम भी नहीं दिया है, वो भी झूठा ही था कि हमारे यहाँ कुछ भी मिलता है ना, प्रमाणित नहीं हो पाता। जमुई में, हाँ जमुई में मिला था, सुने तो बहुत बड़ा सोना मिला है, ठीक है, क्या पता किधर चला गया हुआ, ठीक है। ये सब याद हो गया कि दिक्कत है, मैं कुछ पूछता हूँ। बॉक्साइट में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे बिहार में? बॉक्साइट में बताइए तो, ओडिशा में, ठीक है। बॉक्साइट से किसका निष्कर्षण किया जाता है? किसके निष्कर्षण में बॉक्साइट का काम आता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का आता है, ठीक है। आप हमको ये बताएं, सोना में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य? सोना पे, सोना में कर्नाटक, सोना कर्नाटक, कर्नाटक है, ठीक है। प्राकृतिक गैस में बताइए, प्राकृतिक गैस में कौन है? प्राकृतिक गैस में असम, असम होगा सर। प्राकृतिक में राजस्थान कौन से गैस में? राजस्थान कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा तेल बताना है, ठीक। अब्रक में बताइए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? अब्रक में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्रोमाइट में प्रथम स्थान पे कौन है? क्रोमाइट पे क्रोमाइट में ओडिशा, ओडिशा सर, ओडिशा पे कौन है? सीसा में, छत्तीसगढ़, राजस्थान सर, राजस्थान। इसमें से मे भी एक क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, इसमें से राजस्थान है सीसा में, ठीक है, एक क्वेश्चन में भी रहता है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया, ठीक है। आप कुछ ये कुछ जगहों के नाम बदल दिए गए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदल के मोदी जी ने बोला आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रहेगा, ठीक है। पुराना संसद भवन का नाम बदल दिया, इनका नाम रखा गया संविधान सदन, इंपोर्टेंट है, पुराना संसद भवन का नाम बदलकर इनका नाम संविधान सदन रखा गया है। इसी में 1929 में, इसी में 29 में, ठीक है, किन दो व्यक्ति ने, ठीक है, इसमें बॉम्ब फेंका था? विधानसभा कहते थे सेंट्रल, भक्तेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, ठीक है, ध्यान रखिए। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग रख दिया है। क्या बम सर? उसमें तो दो आदमी पकड़े गए थे ना, भगत सिंह और भुटकेश्वर दत्त, ऐसे तो बहुत लोग शामिल थे सर। नहीं नहीं, बम कांड में बहुत लोग थोड़ी ना शामिल थे, बम कांड में, बम मेल के दो ही फेंकने गए ना, वो दो लोग पकड़े गए सॉन्डर्स मर्डर केस में। आप सॉन्डर्स मर्डर केस को फिर इसमें जोड़ रहे हैं आप? सॉन्डर्स मर्डर केस में बहुत सारे लोगों का हाथ था, इन लोगों को बम केस में पकड़ा गया 1929 में, इन पे मर्डर का चार्ज चलाया गया, सॉन्डर्स मर्डर केस जेल में चलाया गया, ठीक है, इन पे चार्जेस चले सॉन्डर्स दिया है सर। नहीं नहीं, महेश बनवाल क्या है, ठीक है, तो बम फेंकने में दो ही लोग का हाथ था। अब वैसे कहेंगे पार्टी में इंक्लूडिंग तो बहुत लोगों का विचार हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से दो लोग ही, मतलब बम फेंकने दो लोग पकड़े गए शामिल थे बहुत लोग। एक मिनट सर, दो लोग पकड़ा गए थे, तीन चार आदमी थे उसमें। अरे पार्टी का प्लान बना था, तो पार्टी का प्लान बना था, पूरा पार्टी शामिल हो सकता है, ठीक है, लेकिन नाम दो ही का आता है, ठीक है, नाम दो ही का आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बंदरा बरसोबा श्रीलंका नाम बदल कर क्या रखा गया? माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। वीर सावरकर, ठीक है, अहमदनगर किला का नाम बदल कर क्या रखा गया? अहल्याबाई होलकर नगर, अहल्याबाई होलकर नगर, ठीक है, अहमदनगर किला का नाम बदल कर रखा गया, ठीक है। बस सिमगोमा हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या रखा गया? हवाई अड्डा, ठीक है, प्रस्तावित है, ये भी क्या है? प्रस्तावित है, ठीक है। औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर कहाँ रखा गया? क्या नाम रखा गया औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर? छत्रपति संभाजी, ठीक है,
उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? धारा सिंह। रायबली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के क्या रखा गया है? रानी गर्ल्स हॉकी। हॉकी क्या रखा गया? टर्फ। क्या रखा गया? टर्फ। पार्केट, इसके बारे में पढ़ा सभी 18 पहले। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा जाएगा? प्रस्तावित है देशमुख रेलवे स्टेशन। राउल किला रेलवे स्टेडियम जहाँ पे हॉकी का विश्व कप का फाइनल हुआ उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? मोदी जी घूमने गए, मोदी जी कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया घूमने गए, तो हैरिस पार्क का नाम इन्होंने क्या बदल के रख दिया? लिटिल इंडिया। मिलेट सुपर फूड इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? श्रीयान। ठीक है, इस्लाम नगर गांव जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है इसका नाम बदल के क्या रखा गया? जगदीशपुर। का नाम बदलकर जगदीशपुर। अमृत उद्यान। ठीक है, मंगोली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है इसका नाम क्या पड़ा? डोनोपोल। डोनोपोलो का क्या होता है? सूरज और चांद होता है ना, डोनोपोलो का सूरज और चांद होता है इसका मतलब डोनोपोलो का। ठीक है, अब चलेंगे चीपी हवाई अड्डा। चीपी हवाई अड्डा की बात महाराज बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया है। महाकाल कॉरिडोर ओजोन में इसका नाम क्या रखा गया? महाकाल। महाकाल लोक। ठीक है, ध्यान में रखेगा महाकाल रॉक। ठीक है, ध्यान में रखे क्या नाम रखा गया? महाकाल रॉक। ठीक है, चलिए दौलताबाद किला महाराष्ट्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देवगिरी किला। ठीक है, कीबूथी सैन्य सिरोर, कीबूथी और नाचल पर पता इनका नाम क्या रख दिया गया? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री। जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया। राजपथ, राजपथ को अंग्रेजी में किंग्सवे बोलते थे इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम किनके नाम पे रख दिया गया? चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे। शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, लीचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में पड़ता है उनका नाम किन पे रखा गया? सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, ड्रा सेक्टर इसका नाम गनहिल रखा गया था। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था की बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय। हरिजन शब्द की बात करेंगे तो हरिजन शब्द का नाम रख दिया गया डॉक्टर अम्बेडकर। दिल्ली सरकार ने रख दिया हरिजन शब्द का नाम क्या रख दिया है? डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान में पड़ता है इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान वाला का नाम महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया। ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? एकता। बिल्कुल ठीक है, क्या नाम रखा गया है? एकता नगर रख दिया गया। ठीक है, चलिए बिहार का मखाना का नाम क्या रख दिया गया? बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना। जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर, ठीक है, रामगंगा नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया इनका नाम की बात करेंगे रामगंगा नाम रखा गया है। ठीक है, आपको पता है झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे ना, ये पीडीएफ जो है ना एक चैनल का लिंक जो पिन किया हुआ है उसमें आप जाइए। ठीक है, पिन किया हुआ आपको चैनल का लिंक ऊपर में मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से डाल दे रहा हूँ, सभी लोग इसको क्या कीजिए ज्वाइन कर दीजिए। इसमें मैंने बहुत सारे अभी दो सेट मैंने डाले बिहार एसआई का, दो आपको सेट मिल जाएगा वहां पे। एक आपका है रुकमणी पब्लिकेशन का है, एक आपका एडुटेरिया का मिलेगा। एडुटेरिया वाला में 15 सेट है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग बना लीजिएगा उसको। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो ये पार्ट टू है, जो मिला था वो हम डाल दिए, पार्ट वन खुलेंगे मिलेगा तो डाल देंगे। ठीक है, ये जो पीडीएफ जो है ये अपडेटेड है, इसका है स्पीडी का है, तो ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम देकर आइए। जिनको बीपीएससी का तैयारी करना है, पेड बेस हमारा चल रहा है, 18 तारीख से पहले अगर आप पेड बेस लेते हैं 499 का फी पे करके, तो आपको बिहार एसआई मेंस के लिए, ठीक है, बीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए तीनों कोर्स में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे तीनों कोर्स का क्लास टाइम टकराएगा नहीं, एक कोर्स का बीपीएससी का जो क्लास टाइम होगा रात में 8:30-9 बजे से है। ठीक है, बाकी बीएससी और बिहार एसआई के लिए सवेरे का क्लासेस है। ठीक है, कौन कौन सा किताब कवर किया जाएगा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर लेट हो जाएगा तो आपको दोगुना फी देना पड़ेगा। इससे बात कर टेलीग्राम पर सर, पेड क्लास का जो बैच मतलब कि ओपन होगा सर, इसी पे टेलीग्राम पर ओपन होगा कि कोई अलग से उसके लिए होगा? नहीं नहीं, यहीं पे जो होगा सब यहीं पे होगा। स्क्रीन शेयर करके लाइव टू लाइव इंटरेक्ट करके सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कॉपी वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा, मैथ रीजनिंग सब उसमें शामिल किया गया। ठीक है, मैथ को भी शामिल किया गया बिहार एसआई के लिए और बीएससी के लिए भी मैथ और रीजनिंग दोनों को शामिल किया गया। ठीक है, तो जो इच्छुक लोग हैं ज्वाइन कर सकते हैं जितना जल्दी हो जाए। ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है,
आगे चलेंगे तो क्या मिलता है, पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर साटिया मामा रेलवे स्टेशन, ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कमलावती, रानी कमलापति, ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है। संसद टीवी नाम रख दिया गया, किन दो टीवी को मिलाने के बाद क्या बताएंगे, लोकसभा राज्यसभा, बिल्कुल लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदल गया, ठीक है, संसद टीवी रखा गया, ठीक है। खेल सेना खेल संस्थान पुणे का नाम किन के नाम पे बदल दिया गया है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम, नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम रख दिया गया, ठीक है। मिड डे मील का योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम रखा गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, ठीक है। काकोरी केंद्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको, ठीक है, इनका नाम बदलकर क्या रखा है, चेनानी नासरी का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया। व्हीलर द्वीप का नाम किनके नाम पे रख देगा, व्हीलर द्वीप का नाम किनके नाम पे रखा गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। हैबलॉक का नाम हैबलॉक या फिर नील द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, हैबलॉक का क्या रखा गया, स्वराज रखा गया, नील का मतलब क्या रखा गया, शहीद रखा गया, ठीक है। रॉस टू बॉस, रॉस का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नैबलॉक का स्वराज, हैबलॉक का स्वराज, नील का शहीद, क्या, नील का शहीद, रॉस का बॉस, ठीक है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। COVID-19 वैक्सीन के निर्माता पे पढ़ेंगे, इनका इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए कुछ कुछ। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया, ICMR कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, भारत बायोटेक ने बनाया है। कोविशील्ड की बात करेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ और ICMR, ठीक है, दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका इसको कहते हैं। कोवैक्सीन को किसने बनाया, कोवैक्स को किसने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे की संस्था है इसने बनाया है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट, रूस की स्पुतनिक का नाम याद रखे, ठीक है, गैमलेसिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ठीक है। अमेरिका के मोडर्ना की बात करेंगे, मोडर्ना ने बनाया, सारे के सारे किसका था, COVID-19 का कोविड वैक्सीन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार मिला कहाँ का, 2016 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री को कितने देशों का मतलब सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है, क्या बताएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना हो गया, बहुत देशों का मिल गया, क्या 17 है कि 18 है, 17 है ना, यस सर, कितना, 17, ठीक है, 17। तो हाल फिलहाल में जो सबसे मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ठीक है, जो कि ग्रीस का है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का है, और ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का है, ठीक है। ये 2023 में इनको बहुत जगह का मिल गया, ठीक है। कंपेनियन गॉड ऑफ द ऑनर ऑफ लोगोहू की बात करें, पपुआ न्यूगिनी का है, फॉर दी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान में, 17 देशों का मिला, ये आपको ध्यान रखिएगा मोदी जी को, ठीक है। 2023 का वर्ड कुछ कुछ दे दिया लेकिन इसमें नहीं दिया है अभी तक, इसलिए इसको छोड़ते हैं, हमको 2023 का पढ़ना मुख्यतः। अब आते हैं, ठीक है, कुछ योजना के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अभियान की बात करें मेघालय का है। जमरानी बांध योजना इंपोर्टेंट में था, चर्चा में था, उत्तराखंड का याद रखिएगा। अबुआ आवास योजना किस राज्य का, अबुआ आवास योजना झारखंड, झारखंड का है, ठीक है, ठीक है, झारखंड का, ठीक है। ए हेल्प, ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ का, ए हेल्प जो इम्पोर्टेंट है वो सब करवा दे रहा हूँ, ए हेल्प उत्तराखंड का। सबल योजना कहाँ का, सबल योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना कहाँ का है, उड़ीसा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ का है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का है, ठीक है, कहाँ का है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसने चलाया, मेरा बिल मेरा अधिकार, केंद्र सरकार, ध्यान में रखेंगे, केंद्र सरकार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना किसने चलाया, मोदी जी ने हाल फिलहाल में इसकी घोषणा की है, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मेरा मेरी माटी मेरा अंश अभियान भारत सरकार के द्वारा चला गया, ठीक है, ये इंपोर्टेंट योजना है। मो जंगल जाम योजना इंपोर्टेंट है, याद रखें। मो जंगल जाम योजना किस राज्य की है, उड़ीसा। अम्मा पोखरी योजना क्या बताएंगे, अम्मा पोखरी योजना बिल्कुल ओडिशा का है, अम्मा पोखरी योजना, ठीक है। अन्नपूर्णा खाद पैकेट योजना, ये अन्नपूर्णा खाद पैकेट योजना किस राज्य की, अन्नपूर्णा खाद पैकेट योजना राजस्थान के। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य की, चर्चा में, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MP की योजना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अमृत भारत स्टेशन योजना ध्यान रखे, दसवीं रेलवे लेकर आया, इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, ठीक है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, यहाँ पर ये बहुत मध्य प्रदेश तो मार दे, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है, कमाओ सीखो आता है उसमें चेंज हो जाता है ना। हाँ, पॉलिटेक्निक चलो अभियान की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार की। नंद बाबा दूध योजना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार की, ठीक है। महिलाओं के लिए कहाँ पे मतलब बस यात्रा फ्री की गई, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की है? कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक गए, कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। समर्थ योजना की बात करेंगे, ठीक है, किस मंत्रालय गिरे, छोड़ दीजिए इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रख लीजिए। हाँ, स्टार्ट कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? स्टार्ट कार्यक्रम इसरो। ठीक है, स्वागत पहल की बात की गुजरात सरकार छोड़े। हाँ, गीता कर्मी कुल बीमा योजना की बात करेंगे, तेलंगाना सरकार का, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 7525, ठीक है, 7525 की बात करेंगे, किसके लिए होता? मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए है, एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किस सरकार के द्वारा? उत्तराखंड। शासन अल्पायदारी पहल, ठीक है, शासन अल्पायदारी पहल महाराष्ट्र सरकार। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा, एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य की सरकार, किस सरकार ने किया है? केरल। केरल ने किया है, ठीक है। ए हेल्प कार्यक्रम, ए हेल्प का मतलब एनिमल हेल्प होता है, किस राज्य की सरकार ने? उत्तराखंड ने। संजीवनी परियोजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? संजीवनी परियोजना, हिमाचल प्रदेश। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। पदा योजना किसने किया? छत्तीसगढ़ सरकार। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किसने किया? दीदी, दीदी से तो पता ही चल रहा, पश्चिम बंगाल भी होगा, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना को किसने लॉन्च किया? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु। सेवा आपके द्वार 2.0, सेवा आपके द्वार किस राज्य की सरकार ने? अरुणाचल प्रदेश। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का, ठीक है, कायाकल्प होगी, कितना था? 500 कितना था? 572 कितना था? याद है क्या एग्जैक्ट डाटा किन्हीं को? 508। बिहार में कितना है? 50 ना, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, देखना पड़ेगा, एक बार चेक करके बताइए, मोबाइल रहते हुए अपने। 50 दिया, देख लीजिएगा, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना किस राज्य की है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट उत्तर प्रदेश। ये पूछेगा आसरा पेंशन योजना पे, कांटी बेलगु योजना आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। हर घर गंगा जल योजना की बात करेंगे, बिहार सरकार का योजना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना का है ना? हाँ, तेलंगाना का आसरा पेंशन योजना लिखा हुआ तो तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री देव दर्शन, अच्छा आंध्र प्रदेश बोले, अच्छा ठीक है। गोवा सरकार की बात करेंगे, मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना, इसको ध्यान में रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात में चलाएगा पीएम मोदी के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट, धन वर्षा योजना, फिर बीमा रत्न योजना किसके? LIC का, ठीक है। LIC का स्थापना कब हुई थी? 1975। प्लीज सर मेरा माइक ऑन कीजिए, मेरा माइक ऑन करे, बतियाते रहते क्लास में, जब भी बात करते हैं तो माइक बंद कर दीजिए। चलिए, वंदे मातरम पहल की बात करें, किसका है? तो ध्यान रखें महाराष्ट्र सरकार के हैं। चलिए हो गया सर। LIC का स्थापना सर 1975 में हुआ कि 1956 सर? 56, ठीक है। त्योहार की बात करेंगे, ठीक है। एंथोरियम महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया? एंथोरियम मिजोरम। सर 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनेगा हॉटमिल कहाँ पे? नागालैंड। गाय यात्रा उत्सव, गाय यात्रा नेपाल में। बंगस वैली फेस्टिवल, बंगस वैली जम्मू कश्मीर। नुआखाई और बिहान मेला कहाँ पे मनाते? नुआखाई और बिहान मेला, बिहान मेला उड़ीसा में किस जनजाति के द्वारा? कौन सब नौकरी नर बलि देने की प्रथा थी, महिलाओं का, पुरुष का, या फिर पूरे मनुष्य जाति को ही दे देते थे वो लोग? इसको देते थे, महिला को देते थे, पुरुष को देते थे, अभी मनुष्य जाति को देते थे? पुरुष महिला को कोई मार, अच्छा पुरुष को,
अरे मनुष्य को देते थे, महिला पुरुष का भेदभाव नहीं करते थे, ये लोग मारने में कोई भेदभाव नहीं करते। सरकार थोड़ी ना महिला पुरुष में भेदभाव करके स्कीम लाएगी, ये लोग बस जिसको देखते थे बस मनुष्य होता था बस उनको नरबलि दे देते थे, ऐसा काम सरकार का है। नदी उत्सव कहाँ पे? दिल्ली। नदी उत्सव दिल्ली में, ठीक है। आदि फेरेकू उत्सव कहाँ मनाएगा? आदि फेरेकू पूजा होती है, ठीक है, तमिलनाडु में मनाते हैं, ठीक है। बताइए हेमिस तेचू महोत्सव कहाँ मनाते हैं? लद्दाख। एक मध का त्योहार है, ठीक है, एक मठ का त्योहार है, कौन से मठ में मनाते हैं? हेमिस तचेसु महोत्सव हेमिस मठ में मनाते हैं। कहाँ पे? हेमिस मठ में मनाया जाता है। बिहू कुहू, बिहू कुहू कहाँ मना? बिहू कुहू असम नहीं, बिहू कुहू है अरुणाचल में मनाते हैं बिहू कुहू, ये गलती हो सकता है, ठीक है। बिहू कुहू कहाँ मनाते हैं? अरुणाचल में मनाते हैं, ठीक है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे? पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे? भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है। बितिष्ठा महोत्सव या फिर लैमेंडर महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? बितिष्ठा जम्मू। बितिष्ठा एक ऋग्वैदिक काली नदी का नाम है, इसका आधुनिक नाम क्या है बितिष्ठा का? ब्यास ठीक है। मोनलम चेन्नमो, मोनलम चेन्नमो कहाँ मंगनाएंगे? लद्दाख। माता खीर भवानी, माता खीर भवानी कहाँ पे मनाएंगे? माता खीर भवानी जम्मू कश्मीर। बाजरा महोत्सव कहाँ पे मनाएगा? बाजरा महोत्सव। थावा महोत्सव कहाँ पे मनाएगा? थावे महोत्सव, सॉरी भाई। शियांगुनिंग, शियांगुनिंग कहाँ पे मनाएंगे? शियांगुनिंग। भूमची महोत्सव कहाँ पे? भूमचू सिक्किम। माधवपुर मेला गुजरात। भोगा बिहू सब कहाँ पे मनाते हैं? असम। सारे के सारे असम में, ठीक है। मतुआ धर्म मेला, गंगा सागर मेला कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। साहित्य महोत्सव फिर दिव्य कला मेला छोड़ दीजिए। चौथमा से चौथा नंबर का राष्ट्रीय युवा संसद कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। बाघी मेला, बैसाखी झिंगा मेला कहाँ पे? तो पंजाब में। गांग नगाई त्योहार इम्पोर्टेंट है, और बात करेंगे योसांग उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? गांग नगाई उत्सव मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। जितने भी नए लोग हैं ना, आप ये पीडीएफ वगैरह जो है सब आपको चैनल लिंक दिया हुआ है यूट्यूब में, वहां पे जाइए तो वहां पे बिहार एसआई वगैरह का भी आपको पीडीएफ वहां पे डाला गया है, आप लोग उसको ज्वाइन करके वहां से सारे क्लास के अपडेटेड पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो पेड बैच के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, या बीपीएससी का हो या फिर बीएससी। टेलीग्राम पे ग्रुप में नहीं डाला जाता है, आप चैनल का लिंक डाला हुआ है आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसी में सारा पीडीएफ जाएगा, ठीक है। मेन ग्रुप चैनल किस नाम से? इसी नाम से आएगा। अरे चैनल का लिंक ग्रुप में ही डाला हुआ है, आप ग्रुप में मैं जिस ग्रुप में आप उसमें देखिए ना, पहला मैसेज चैनल का लिंक ही होगा। चलिए अटकुल देखिए, अटकुल पोंगल की बात करेंगे, ओनम की बात, त्रिशूल पूरा उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? केरल में। साओ जोआवा, ठीक है, साओ जोआवा उत्सव कहाँ पे मनाते? गोवा में। एक उत्सव है गोवा में जिसमें कीचड़ में लोग खेलते हैं, उसको क्या नाम है? चाको लाओ, क्या बोलते हैं उसको जो कीचड़ में लोग खेलते हैं? गोवा का होली भी कहा चिलकाओ, क्या बोलते हैं उसको? चिलकाओ सात नाम है उसका, ठीक है। काला घोरा महोत्सव कहाँ पे मनाया? काला घोरा महाराष्ट्र। कहाँ पे मनाया? खाजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश, ध्यान में रखेंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसको ज्वाइन करके अपना जिनको भी जो भी चाहिए सो आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चले, अजंता एलोरा महोत्सव कहाँ पे मनाएगा? अजंता एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र में, ठीक है। 36वां नंबर का सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगा है, क्या बताएंगे? नागपुर। नागालैंड नहीं, ऑरेंज सिटी बोलते हैं उसको, फेस्टिवल मनाया गया है कोहना नागालैंड में, ठीक है। ये सब गलती मत किया कीजिए, ठीक है। माघ की बात करेंगे, भोगाली बिहू की बात करेंगे, अंबुबाची मेला की बात करेंगे, बैखो त्योहार की बात करेंगे, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? असम में। भारत रंग महोत्सव कहाँ पे? भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। चेरचेरा महोत्सव कहाँ पे? चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़। बाथुकंपा, बाथुकंपा फूल का महोत्सव है, देवी पार्वती जी का पूजा किया जाता है, कहाँ पे होता है? तेलंगाना में, ठीक है। ये सब दरोगा के लिए वीवीआई चीज है, जो भी दरोगा वगैरह देना चाहते हैं वही सबको रट कर जाइए, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। आप देखेंगे जीआई टैग मिला कुछ चीज को, माइक क्या
अच्छे से पीडीएफ जो है उस ग्रुप में, चैनल है ग्रुप में जाइए, चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ डाला हुआ है। एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछिएगा, जिस ग्रुप में आप खड़े हैं ठीक है उस ग्रुप को खोलिए, पहला मैसेज दिखेगा, चैनल का लिंक डाला हुआ, मैंने डाल भी दिया, पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है ठीक है, ध्यान में इसको रखिए। एक मिनट, किश्तवाड़ जिले का केसर को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है किश्तवाड़ जिले का केसर? जम्मू कश्मीर। और जितने भी लोग बिहार एसआई के लिए सीरियस है, बिहार एसआई के लिए सीरियस है, आपको बिहार एसआई का मेंस देना है ठीक है, जरूर एक बार पेट ग्रुप को विजिट कीजिए ठीक है, 299 के फी में ठीक है, पूरा बिहार एसएससी ठीक है, अब बिहार एसआई का संपूर्ण तैयारी आपको करवाया जा रहा है, 5 से 7 किताब को कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा लुसेंट, लुसेंट का 3 सेक्शन, लुसेंट साइंस, सब्जेक्टिव लुसेंट, लुसेंट ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, घटना चक्र का 6 सेक्शन करवाया जा रहा है ठीक है, पूरा ज्ञान बिंदु का नोट पढ़ाया जा रहा है, बिहार एसएससी का एग्जाम कम से कम मई जून में जाएगा, अगर सही डेट से अगर एग्जाम हो जाए तो मई जून तक तो जाएगा ठीक है, मई अप्रोक्स अप्रैल मई मई लग रहा है ठीक है, तो 18 महीने का वैलिडिटी के दे रहा है, अगर 18 महीने के वैलिडिटी के साथ आपको बैच मिला, आपका पीटी मेंस दोनों को दोनों बिहार एसएससी का निपट जाएगा, दूसरा रीजनिंग और इंजीनियरिंग और मैथ को भी शामिल किया गया है, तो जो भी लोग इच्छुक है और अच्छे से चाहते जीके जीएस के साथ संपूर्ण तैयारी करना, लाइफ लाइफ इंटरेस्ट चाहते सेट बनाए, तो हमारे साथ 299 का फी मात्र दे के ज्वाइन कर सकते हैं, 50 लोग ऑलरेडी ज्वाइन है ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, बाकी कहीं भी जाएंगे पढ़ेंगे तो पढ़ाने का तरीका तो समझ ही रहे क्या होता है, और जगह का नामी नामी इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन क्या पढ़ाते हैं आपको ही पता है, आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, बोल भी नहीं सकते, यहाँ पर तो सारी सुविधा आपको दी जा रही है ठीक है, बाकी कौन कितना पढ़ाता है तो हमें भी पता है ठीक है। सी बात खान फल की बात करेंगे, लद्दाख को मिला है, बेरी नाग चाय का किसे मिला, बेरी नाग चाय का क्या बताएंगे, उत्तराखंड, ध्यान में रखेंगे। याक चुरपी, याक चुरपी एक पनीर है जो कि मतलब याक के दूध से बनती है ठीक है, इसको कहाँ का जीआई टैग मिला है तो क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश का। खामती चावल तांगसा वस्त्र सबको अरुणाचल प्रदेश का ठीक है। केंद्रपारा की रस वाली मिठाई को कहाँ का मिला है तो क्या बताएंगे, उड़ीसा। काजू को कहाँ मिला, काजू का जीआई टैग इम्पोर्टेंट है, काजू वाला गोवा का मिला ठीक है। रोकुआ चावल का जीआई टैग कहाँ पे, रोकुआ चावल का जीआई टैग बिल्कुल आसाम में मिला है, बहुत सुंदर ठीक है। राय राय गरासौल ठीक है। कोरापुट, कोरापुट काला जीरा चावल का कहाँ पे मिला है क्या बताएंगे, कहाँ पे मिला, सलेम सागो का जीआई टैग तमिलनाडु, सलेम सागो तमिलनाडु ठीक है। जलेसर धातु शिल्प का जीआई टैग कहाँ पे मिला, इम्पोर्टेंट है, जलेसर धातु शिल्प का जीआई टैग कहाँ पे मिला है ठीक है, ध्यान रखें। बेम्बिका, बेम्बिका का गोवा को मिला है। उस्ता कला शिल्प जो है ठीक है, ये उस्ता कला शिल्प जो है ना ऊंट के ऊपर किया जाता है ठीक है, ये कहाँ का जीआई टैग है, राजस्थान, राजस्थान ठीक है। मनकुरांड आम का जीआई टैग कहाँ पे, मनकुरांड आम गोवा। उदयपुर का कहाँ का जीआई टैग मिला तो क्या बताएंगे, राजस्थान। बंधेज कला को जीआई टैग मिला कहाँ का मिला है, राजस्थान। मैटी केला को जीआई टैग मिला, मैटी केला का जीआई टैग कहाँ पे मिला है, तमिलनाडु। चादेरी नाम कट्टी को जीआई टैग मिला है कहाँ का मिला है, तमिलनाडु। बूटी साड़ी को जीआई टैग मिला, चेडी बूटा साड़ी को जीआई टैग मिला कहाँ का मिला है, तमिलनाडु। सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है, सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है, सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी के पास, तमिलनाडु के पास सबसे सर्वाधिक जीआई टैग है ठीक है। अमरोहा ढोलक जीआई टैग कहाँ का मिला, अमरोहा ढोलक का बागपत होम फर्निशिंग, बागपत होम फर्निशिंग। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद उत्तर प्रदेश। गौरा महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प कहाँ का मिला है, उत्तर प्रदेश। काशी यूपी, उत्तर प्रदेश। खुदपान का पत्ता कहाँ का मिला है, तमिलनाडु। दालू आम का जीआई टैग कहाँ का मिला है, कर्नाटक। कारी साद है जरदालू का वाला, बिहार सही है ठीक है। ये कारी साद आम कहाँ का मिला है, उत्तर कर्नाटक, कर्नाटक उत्तर कर्नाटक क्या होती है। अराकू वैली एवं काली मिर्च कहाँ से मिला है, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अराकू वैली आपको दिख जाएगा। माना मदुरई मृदभान कम्बन अंगूर, कम्बन घाटी भी है कहाँ पे, तमिलनाडु में है। गोंड पैंटिक, गोंड पैंटिक, गोंड जनजाति भी ध्यान में रखेगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड है सर, कटी गोंड है ठीक है, ध्यान में रखे थे। गोंड पेंटिंग मुरौना गजर कहाँ का जीआई टैग है, रीवा के सुंदर राजा माम। या फिर सरबती गेहूं, सरबती गेहूं जो है गेहूं का किस्म है, सरबती
लकड़ी के नक्शासी कला, नकली का नक्शासी, इसको वुड क्रे पेंटिंग बोलते हैं। कहाँ का जीआई टैग मिला है? नागरी दुबरा चावल को जीआई टैग कहाँ से मिला? नागरी दुबरा चावल को जीआई टैग छत्तीसगढ़, ठीक है। मरचा चावल का जीआई टैग कहाँ पे मिला? मरचा चावल का जीआई टैग बिहार। बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग कहाँ पे मिला? बसोहली पेंटिंग। वाराणसी पान, ठीक है। लंगरा आम को जीआई टैग कहाँ का मिला है? उत्तर प्रदेश। हथरस हींग, ठीक है। नगीना लकड़ी शिल्प का जीआई टैग कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। रामनगर भंटा सफेद गोल बैगन को जीआई टैग कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश मिला है। इंडियन के द्वारा जीआई टैग दिया गया कहाँ का है? कांगड़ा चांद। मिथिला मखान का जीआई टैग कहाँ? मिथिला मखान बिहार। गमोचा गमछा का जीआई टैग कहाँ का मिला? गमोचा गमछा मोदी जी असम चुनाव में वोट लिए थे, मोदी जी ने असम चुनाव में गमोचा गमछा उठा था, ठीक है। तंदूर लाल चना कहाँ का है? तेलंगाना। से खरपो कुबानी का जीआई टैग कहाँ का मिला है? लद्दाख। क्या है लद्दाख से खरपो कुबानी? क्या है ये जानते हैं, ठीक है। खट्टा फल होता है, ठीक है। बड़ा सुंदर लगता है, ठीक है। हम खाए नहीं लेकिन फील कर रहे हैं, लगता होगा, ठीक है। खट्टा फल है, ठीक है। ये लद्दाख बेरी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। रक्त से कार्पो कुबानी, बड़ा खतरनाक नाम लग रहा है ना। रेड कलर का होता है छोटा छोटा, हाँ बैर की तरह दिखता है, ठीक है। और ये खट्टा खट्टा लगता है। और दूसरी बात क्या था, हाँ बिहार में बात करेंगे कुछ जीआई टैग की मांग की जा रही है, जैसे कि रूनी सतपुर का बालूशाही को जीआई टैग मिल जा रहा है, मांग किया जा रहा है। रोहू मछली के लिए, मिथिला का रोहू मछली के लिए जीआई टैग का मांग किया जा रहा है। तो ये सब के लिए मतलब जीआई टैग का मांग किया जा रहा है, ठीक है। जीआई टैग किसी भी खाने पीने वाला पदार्थ को कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 या 20 वर्षों के लिए। बात जीआई एक्ट कब आया था? जीआई एक्ट कब आया, जो आइडेंटिफिकेशन एक्ट कब आया था? 1999 के एक था। पहली बार कब दिया गया था? पहली बार 2004 में दिया गया था। किसे दिया गया था? 2004 दार्जिलिंग को दिया गया था, ठीक है। तो अभी देखिए आज तो आपका सब, आज तो दिन भर आपका मैराथन क्लास चलेगा, पॉलिटी भी पढ़ाना 3 बजे से। बिहार एसआई के लिए हम बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ पढ़ा रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि सभी लोग देखें। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स भी होगा, चिंता मत। पॉलिटी खत्म होने के बाद मेडिवल इंडिया का इकोनॉमिक्स भी होगा, ठीक है। ओवरऑल करवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी लोग आएंगे उनके बाद मेंस, जिनका भी प्री अच्छा जाता है मेंस में आइए। मेंस में बहुत बेहतरीन ढंग से हमने मतलब एक पूरा रिजर्विंग तरीके से प्लान बनाया, जहाँ पे 5 से 7 किताब जब आपका खत्म करवा देंगे ना, प्री सबका निकलेगा। हम जानते हैं जो भी लोग 30 आदमी है ना, ठीक ठाक तैयार होगा, प्री लगभग सभी लोगों का आ जाता है। मेंस में दिक्कत होता है मेरिट के समय में, ठीक है। तो मेरिट के लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया, एक एक चीजों को लूसेंट के 7 से 8 बार कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। अगर समय अगर ठीक ठाक मिल गया तो, ठीक है। अगर समय ही नहीं रहा तो फिर हम नहीं कह सकते, लेकिन कई बार अच्छे तरीके एक एक लाइन आपको याद करा देने का मेरा प्लान है, ठीक है। तो जरूर जो भी लोग हैं आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि चीजें आप अच्छे तरीके से बढ़िया से कर सके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कितना बजे से होता है? यहाँ पे सुबह में होता है 8:30 बजे से आरएनए की क्लास होती है। अरे आप तो पहले से आती थी, तो आप तो हमसे पहले से जानती हो, मैं पहचान रहा हूँ आपको, ठीक है। 8:30 बजे से आरएनए होती है, ठीक है। उसके बाद 3 बजे से दोपहर में अभी दरोगा का क्लास चल रहा है, जो कि अभी यहाँ पे आज पॉलिटी होगा, ठीक है। ठीक है, 3 बजे से आज पॉलिटी होगा। पॉलिटी में आधा पॉलिटी हो चुका है, नहीं आधा पॉलिटी नहीं हुआ है, 1/3 हो चुका है, बाकी है। तो 3 बजे से आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग को कंटिन्यू करना है, कल हम लोग संघीय शासन प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो उसके आगे देखेंगे, ठीक है। पॉलिटी समाप्त हो जाएगी तो फिर हम लोग आगे इकोनॉमिक्स, या फिर हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, एनिशेंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, पॉलिटी भी आपका कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए सवेरे में चीजें चल रही है, साइंस के लिए सवेरे में ही चल रही है, ठीक है। तो 8:30 बजे वाली क्लास में सभी लोग जरूर आएंगे। साइंस कब से है सर? साइंस का टाइम सवेरे मॉर्निंग में। सुबह में कब सर? 8:30 बजे सर आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, 8:30 बजे से, ठीक है। क्या बोले सर? सर आपका डिस्कशन बहुत ही तगड़ा है, मजा आ जाता है सर। नहीं मेंस में आए, मेंस में और भी मजा आएगा, तो पीटी के लिए ऐसे ही पढ़ा रहूंगा। डिटेल्स में अगर पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, जिनको बीपीएससी करना है, मेंस में और भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं डिस्कशन के साथ साथ अपना नॉलेज का भी यूज करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं किताब में जो लिखा वो भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं अपना नॉलेज के साथ बताता हूँ, फैक्ट के साथ बताता हूँ, ताकि लोगों को समझ है, भूले नहीं, ठीक है। ऐसे तो सीधे फैक्ट पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ प्रमुख व्यक्ति का निधन भी हो गया है, जैसे देखेंगे सबसे पहले फातिमा बीबी जी का निधन हो गया, पहली महिला जज बनी थी, केरल से आती थी, सुप्रीम कोर्ट का निधन हो गया, ठीक है। आप चलेंगे, देखिए कितना नया इसमें डाल दिया गया है, मुश्किल से 3-5-10 दिन पहले इनका देहांत हुआ है, तो लगभग सब कुछ इसमें अपडेटेड है, ठीक है।
आप देखेंगे किसका, सुब्रत राय जी का निधन हुआ था, सहारा समूह के संस्थापक थे। बिहार के किस जिला में इनका जन्म हुआ था सुब्रत राय जी का, बिहार के किस जिला में इनका जन्म हुआ था? अररिया जिला, बिल्कुल अररिया जिला में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आप चलेंगे, बिशन सिंह बेदी जी का निधन हो गया है, क्रिकेटर है। ठीक है सर, वो करवा दीजिए ना, मेटल जो निकालते हैं अयस्क वाला अगर है तो, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। साइंस में है ना वो, इसमें नहीं है। ठीक है, एमएस गिल की बात करेंगे, इसमें कैसे करंट का किताब है। ठीक है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यह ध्यान रखिएगा। एमएस स्वामीनाथन के भारत में हरित क्रांति शब्द के जनक थे, लेकिन हरित क्रांति शब्द, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द को किसने प्रयोग किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने। गलत हो गया, विलियम गॉड ने। किसने? विलियम गॉड ने, राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्वामीनाथन जी को, सॉरी स्वामी ने क्या, नॉर्मन बोरलॉग साहब को हरित क्रांति के जनक के रूप से जानते, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द जो था ना विलियम गॉड ने दिया था। भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे एम एस स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति जिस समय आया था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नहीं, शास्त्री जी। कौन थे? शास्त्री जी। ठीक है, 56 में आया था, बिंदेश्वरी भारत टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मैला धोने के खिलाफ इन्होंने मतलब आंदोलन शुरू किया, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। ठीक है, सामाजिक कार्य बिंदेश्वरी पाठक जी का निधन होगा, बिहार से आते थे। ओमान चांडी जी का निधन हुआ, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रायन टेबर का निधन हुआ है, ठीक है, पूर्व विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया के थे। आप चलेंगे, नंबूरी दरी का निधन हो गया, छोड़ दीजिए इसे, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब फारूक मेहता जी का निधन हो गया, ठीक है, क्या था? फारूक मेहता जी प्रमुख अभिनेता थे। ठीक है, अब बोलेंगे फारूक मेहता कौन है तो कैसे बताऊ, ये फिल्म देखा है आप लोगों ने, ये जवानी है दीवानी फिल्म का नाम था। यस सर, उसमें जो बाप का रोल किया था, बाप का जो रोल किया था, क्या नाम है उनका, रणबीर कपूर को जो पिताजी का जो रोल किया हुआ वो फारूक मेहता थे। ठीक है, गोपी पेंटल जी का निधन होगा, अभिनेता थे। कौन थे? महाभारत में शकुनी का रोल जो किया था गोपी पेंटल जी, क्या रोल है यार शकुनी का, कमाल का रोल है। ठीक है, महाभारत में शकुनी का रोल जो किया था गोपी पेंटल थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उनका भी निधन हो गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत मतलब बहुत कमाल का रोल किया है। ठीक है, yes, sir, वो करेक्टर में ही जीते थे, शकुनी का रोल। उसके और बात करेंगे भीष्म पितामह जी का रोल, ठीक है, ये सब बड़ा शानदार रोल है, भीष्म पितामह जी का भी रोल बहुत अच्छा है। ठीक है, टीना टर्नर स्वी सिंगर थे, हटाइए इसको, तमिल अभिनेता थे। शरत बाबू जी का निधन हो गया, तमिल अभिनेता थे। एस पी हिंदुजा का निधन, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। ठीक है, अरुण गांधी का निधन हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी के पोते थे अरुण गांधी। ठीक है, रंजीत गुहा का निधन हो गया, रंजीत गुहा प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। ठीक है, तारिक फतेह का निधन हो गया, ठीक है, बहुत ही मतलब धमाकेदार व्यक्ति, मुझे बहुत पसंद थे, पाकिस्तानी मूल के पाकिस्तानी मूल सॉरी कनेडियाई मूल के पाकिस्तानी पत्रकार थे। जगन्नाथ, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जगन्नाथ महतो की बात करेंगे। ठीक है, झारखंड के शिक्षा मंत्री टाइगर महतो के नाम से जानते थे। किस नाम से? टाइगर महतो के नाम से जानते थे, झारखंड के होंगे जानते। क्या सर, गांधी जी का कोई परिवार जिंदा भी नहीं है? होगा, फैमिली क्यों नहीं होगा, फैमिली का ही खत्म होता। सलीम दुरानी, ठीक है, पूर्व क्रिकेटर है। गोर्डनपुर का निधन हो गया, इंटेल के सह संस्थापक, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सतीश कौशिक का निधन हो गया है, ये अभिनेता और फिल्मकार थे, बहुत अच्छा, गोविंदा के साथ बहुत सारे फिल्म में इन्होंने, सतीश कौशिक ने बहुत ही शानदार अभिनय किया है। ठीक है, अगर आपने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आपने देखा है क्या मूवी गोविंदा का मिली, उसमें सतीश कौशिक का क्या लगा? बहुत सारे मूवी देखा मैंने। हाँ, तो इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ओपी कोहली जी का निधन हो गया, गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे ओपी कोहली। ठीक है, जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, ये क्या था, अभिनेता थे। परवेज मुशर्रफ के नाम जी के, इसका ये इसको बहुत पहले मर जाना चाहिए था। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के, देशद्रोह का आरोप लगा, देश से भागना भाई, इसकी दुर्गति हो गई। ठीक है, कारगिल के समय भारत पे आक्रमण करने के समय ये वहां का आर्मी इन चीफ था। बीके दोषी जी का निधन हो गया है। ठीक है, बीके दोषी जी का निधन, आर्किटेक्ट है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पृथ्वीकर पुरस्कार मिला था इनको, पृथ्वीकर, हाँ, पद्म विभूषण भी मिला है, पृथ्वीकर भी मिला है। ठीक है, पहले पृथ्वीकर। नीलमणि फुकन जी की बात करेंगे,
तो फुकन जी असमिया लेखक थे, कवि थे, असमिया थे कि क्या यहाँ कर गोवा वाले थे, कुंतनी के थे, असमिया ही थे ना, कवि थे, इनका निधन हो गया है। 57 नंबर का 56 नंबर का इनको मिला था, वो क्या बोलते हैं उसको, 56 नंबर का मिला था कि 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 56 नंबर का कि 57 56 का है सर 56 मिला था सर। हाँ बिल्कुल 56 मिला था। केसरीनाथ त्रिपाठी जी का भी निधन हो गया, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। पेले जी का निधन हुआ, बंगाली के मतलब ठीक है फुटबॉलर थे, इनको मतलब ब्लैक पर्ल के नाम से जानते थे, ठीक है ब्लैक डायमंड या ब्लैक पर्ल समथिंग कहते थे। सुलोचना चौहान छोड़ दीजिए, ग्रांट माल मोहनदास देव, चलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देश के पहले लोकपाल कौन बने, देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। चले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, बिपिन रावत। ठीक है भारत के पहले लोकपाल, देश के पहले लोकपाल, देश के पहले लोकपाल जो है से मतलब ये है भारत के पहले लोकपाल है, क्या है ये भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। तो अभी लोकपाल है भारत के, अभी वर्तमान में अभी अच्छा अभी है, अच्छा भारत के लोकपाल अभी देश के पहले पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। ठीक है हर्षवर्धन श्रृंखला की बात करेंगे, भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक थे। ठीक है अमिताभ कांत की बात करें, भारत की ओर से G20 के क्या थे, क्या थे अमिताभ कांत, शेरपा थे। ठीक है ध्यान रखें। आर के सिंह की बात करेंगे तो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय सर यहाँ गुजरात ग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा सर, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है आयुष्मान खुराना की बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजदूत है यूनिसेफ का, ठीक है इंपोर्टेंट है याद रखिएगा। ग्रेग फुल्टन की बात करेंगे तो भारतीय हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच है। ठीक है वैभव तनेजा की बात करेंगे, इंपोर्टेंट है चर्चा में रहा, CFO है, क्या है CFO है, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है, ठीक है मुख्य वित्तीय अधिकारी टेस्ला का। ठीक है वैभव तनेजा भारतीय मूल के, टेस्ला में चुने गए, याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। ठीक है नीरज मित्तल, रजनीश कुमार की बात करेंगे तो अध्यक्ष मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार है, पहले SBI बैंक में थे ये। आर माधवन की बात करेंगे, अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के, ठीक है अध्यक्ष की बात करेंगे आर माधवन है। ठीक है ध्यान में रखेंगे। तरुण सोपती की बात करेंगे, उप प्रमुख है। ठीक है तरुण सोपती नौसेना के उप प्रमुख कौन है, तरुण सोपती। जया वर्मा जी चुनी गई फर्स्ट टाइम, क्या चुनी गई है, अध्यक्ष एवं सीईओ चुनी गई रेलवे बोर्ड का, प्रथम महिला है जया वर्मा। ठीक है बीके मोहंती क्या है, वित्त निदेशक है इरेडा का, IRED के। ठीक है उसके बाद चलेंगे के मतलब क्या है, निदेशक है। राजकुमार राव जो है 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, कहां कहां पे थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है तेलंगाना में और मिजोरम में चुनाव हुआ है। ठीक है तो इनका राष्ट्रीय आइकन बनाया गया था चुनाव आयोग का राजकुमार राव जी को। ठीक है अमोल मजुमदार की बात करें, महिला क्रिकेट टीम के मतलब सचिन तेंदुलकर राष्ट्रीय, हाँ भारत के चुनाव आयोग के। ठीक है ये राष्ट्रीय एक है। ठीक है अभी 5 राज्यों के चुनाव के लिए राजकुमार राय को बनाया गया था। मुख्य कोच की बात करेंगे तो भारतीय महिला टीम के कौन है, अलोम मजुमदार, इससे पहले बात करेंगे रमेश पवार थे। ठीक है आप चलेंगे कुलदीप चहल छोड़ दीजिए PM नरेंद्र मोदी, श्री सोमनाथ ट्रस्ट जो गुजरात में जो मंदिर है उसका ट्रस्ट का हेड PM नरेंद्र मोदी बने। हीरालाल समारिया की बात की, मुख्य सूचना आयुक्त है। अनिश शाह की बात करें, अध्यक्ष जो है फिक्की के हैं। ठीक है अनिश शाह विश्व स्तर पे जाएंगे। WHO के मुख्य वैज्ञानिक की बात करें, इंपोर्टेंट है रख लीजिए, सौम्या स्वामीनाथन है, सौम्या स्वामीनाथन भारतीय मूल की है। अंशुला कांत की बात करें, विश्व बैंक की क्या CFO है, क्या CEO है अंशुला कांत, भारत में भी किसी बैंकिंग के बड़े पद पर रही अंशुला कांत। ठीक है अभी विश्व बैंक के CFO बन गई है। ठीक है सुमन कुमारी की बात करेंगे, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज है। जो बाइडेन की बात करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति कितने नंबर के नंबर पूछ सकता है, ठीक है नंबर का है। उपराष्ट्रपति कौन है वहाँ का, जो उपराष्ट्रपति कौन है वहाँ का, कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल का है। ठीक है जिल बाइडेन की बात करेंगे, उनकी पत्नी है। अब चलेंगे जॉर्जिया मिलोनी की बात, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऐसा मलिक की बात करें, पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ऐसा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है आप चलेंगे इंद्रमित गिल की बात करेंगे तो ये मुख्य अर्थशास्त्री बने विश्व बैंक के। ठीक है एरिक गारसेटी की बात करें, बहुत दिन से भारत में अमरीका का कोई राजदूत नहीं था लेकिन ये राजदूत बना अमरीका का। ठीक है डेनिस फ्रांसिस के बनेंगे तो ये कहाँ के आते थे, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो से आते हैं। ठीक है अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के बने हैं। ठीक है
रामचंद्र पेटुल की बात करेंगे तो राष्ट्रपति बने नेपाल के, तीसरा बने हैं ठीक है। बोला टिनिबू की बात करेंगे नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने ठीक है। नाइजीरिया की क्या राजधानी कहाँ है? नाइजीरिया की राजधानी नाइजर। नाइजीरिया की राजधानी की बात करेंगे अबुजा होगा। सब सब का गलत है, अबुजा है नाइजर का अबुजा था ना। नाइजीरिया अगर गलत है तो एक बार चेक कर लीजिए, मैंने गलत बोला। नाइजीरिया का कैपिटल अजूबा नहीं है, मुझे तो यही याद है, एक बार चेक कर लीजिए ठीक है। मुझे अबुजा याद है, आप लोग देख लीजिए ठीक है। एडगर लिंकेविच की बात करेंगे, लातविया के राष्ट्रपति वाले पहले राष्ट्रपति जो है, सो कौन सा राष्ट्रपति है इसको क्या बोलते हैं, समलैंगिक की कुछ बोलते हैं ठीक है। एडगर लिंकेविच के फर्स्ट बने लातविया के। नाइजीरिया का कैपिटल अबुजा गलत है, एक बार बताइए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना पाए सर अनवर उल्हा कक्कर ठीक है। अबुजा ही हाँ ठीक है। अनवर उल्हा कक्कर की बात करेंगे, पाकिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। थ्रेता थावेसिन की बात करेंगे तो नया प्राइम मिनिस्टर बना है ठीक है। कहाँ का बना है? थाईलैंड का बना है ठीक है। हुन मानेट की बात करेंगे, कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, चेंज हो गया है। थर्मन संघरूपमन चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी तक सिंगापुर के जो राष्ट्रपति जो मिला था चीनी मूल के मिला था ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम मतलब थर्मन समूहरत्नम के नाम से ठीक है। पहला मतलब वहां पे मतलब प्राइम मिनिस्टर मिल गया जो कि सॉरी राष्ट्रपति मिला जो कि भारतीय मूल के है ठीक है। आप चलेंगे अब्दुल हसन की बात करेंगे, हटा दीजिए। हाँ मोज्जू का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय राष्ट्रपति मालदीव के, ये भारत के लिए अच्छे नहीं है, चाइना सपोर्टर माने जाते हैं ठीक है। सुल्तान इब्राहिम छोड़ दीजिए। रॉबर्ट पीको, डेविड कैमरन की याद रखें, डेविड कैमरन की बात करके विदेश सचिव बने ब्रिट मंत्री के, तो इनका डिमोशन हो गया। कभी ये डेविड कैमरन कभी बात करेंगे तो ब्रिटेन के यूके के मतलब क्या होते थे, कभी पीएम हुआ करते थे लेकिन अब विदेश सचिव बना दिए गए ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन की बात करेंगे, क्रिस हिपकिंस की जगह पे आया है, प्रधानमंत्री बने न्यूजीलैंड के ठीक है। पहले कौन थे? तो हिपकिंस साहब थे, इसको आपको ध्यान में रखना है ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कल के क्लास में ठीक है। अभी आज की जो क्लास जो कंटिन्यू होगा ना आगे चल के नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद चलेगा ठीक है। मैंने सबको हुबहू लाइन नहीं बताया, मैंने वही बताया कि जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है या फिर आपके एग्जाम में आ सकता है ठीक है। इसीलिए मैंने उन्ही चीजों का मतलब केवल टैकल किया ठीक है, समझ गए ना। बाकी किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज्वाइन, सारा इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट्स वाले ग्रुप में जाता है, चैनल का लिंक है। जो लोग नहीं ज्वाइन के ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूँ लिंक ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलते रहेगा। तो बाकी पेड ग्रुप का सारा इन्फॉर्मेशन BSCC के लिए, बिहार SI के लिए, कोई अलग अलग नहीं लेना। बिहार SSC के साथ बिहार SI का भी मेंस का इंक्लूड है ठीक है। केवल BPSC का बैच जिनको अभी लेंगे तो उनको बिहार SSC बिहार SI सब में उनको ऐड कर दिया जाएगा ठीक है। ठीक है चलते हैं, मिलेंगे फिर कितने बजे से? तो 3 बजे से मिलेंगे। कितने बजे से? 3 बजे से मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए उमंग के साथ ठीक है। आप लोगों के साथ मिलते हैं, जो कि क्लास हमारी होगी, किसकी क्लास होगी? तो पॉलिटी की क्लास होगी ठीक है। चलिए ठीक है, तो सभी लोग मिलिए 3 बजे ठीक है, मार्केट टाइम 3 बजे जरूर आइएगा पॉलिटी को अच्छे ढंग से करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।